पाकिस्तान से हैं। और भाई सेम, ठीक है, सही सही, माशा। कब से हैं यहाँ पे अबू धाबी में आपको? बैठ जाए, बढ़िया, क्या माशा। आप भाई कहाँ के हैं? इंडिया के ज्यादा हैं यहाँ पर अबू धाबी में, ऐसा ही है? माशाल्लाह उर्दू सब समझते हैं, बस ये बयान नहीं है, यही बयान है, ये बयान शुरू हो गया है, समझ रहे हैं ना, इसको छेड़े नहीं बार बार, ठीक है। मैं बयान करने की आदत नहीं है मुझे, बस मैं बातचीत करता हूँ, ठीक है ना, तो तकरार की नीयत से कुछ बात कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। तकरार का मतलब यह है कि जो बातें मैं करूंगा, तो मैं अपने से भी खिताब कर रहा हूं, वो बातें अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आप हजरात को भी। बाकी कोई मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मैं बैठूं और कोई इस्लाही बयानात करूं। इंसान की अपनी तरबियत ना हो तो दूसरों को क्या तरबियत करेगा वो। तो नीयत यही होती है कि मेरी भी तरबियत हो जाए, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आप हजरात को भी अमल की तौफीक दे। तो जो भी टूटी फूटी बातें हमने सीखी हैं, वो बातें हम एक दूसरे से उनको शेयर कर लें, उनको आपस में शिरकत कर लें उन बातों में। आप सबको हजरात को मालूम है कि हम लोग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तलिफ खित्तों से आके जमा हुए हैं, ज्यादातर यहां इंडिया के हैं। अक्सर जब भी बैरून मुल्क सफर होता है तो उसमें बांग्लादेश के भी लोग बहुत होते हैं, इंडिया के भी बहुत होते हैं, नेपाल से भी लोग, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो उर्दू जानती है। तो ये जो गैदरिंग होती है या ये जो मुलाकात होती है, इसमें कोई कौमियत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब अलग अलग मुल्क है ना। जबान एक है, इसलिए कि वो तो अगर जबान एक ना होती तो फिर बात समझ में ना आती, वरना जो बुनियादी रिश्ता है वो सिर्फ कलमे का रिश्ता है, कलमे का रिश्ता है जो हम सबको आपस में जमा कर देता है। तो अल्लाह ताला की नजर में जो रिश्ते हैं ना कुल, वो सिर्फ दो ही हैं, जो ताल्लुकात है ना। हमने तो बहुत सारी चीजें बना ली हैं, ये पठान है, ये पंजाबी है, ये सराइकी है, ये इंडिया है, ये फलाना है, ये ढमकाना है, ये इसकी क्या जबान है। अल्लाह की नजर में दो ही कौमें हैं, एक मुसलमान और एक गैर मुस्लिम। बाज लोगों ने तो ये दो कौमें भी खत्म कर दी, बाज ने कहा कि कोई सब इंसान है, बराबर है। तो इस्लाम में ऐसा नहीं है, इस्लाम में दो कौमें हैं। एक कौम क्या कहलाती है, रखा आप लोग भी साथ देंगे तो बात चलेगी ना आगे। एक कौम क्या कहलाती है, मुसलमान कहलाती है, दूसरी कौम गैर मुस्लिम। तो जो मुस्लिम कौम है, मैं आपका तारुफ करता हूं पहले, जरा बात खत्म हो जाए, ठीक है, माशाल्लाह थोड़ा सा पीछे हो जाए, बल्कि नहीं आगे हो जाए ताकि उनको जगह मिल जाए। मैं यह कर रहा था कि अल्लाह ताला की नजर में दो ही कौमें हैं, एक है मुस्लिम और एक है गैर मुस्लिम। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में इंसान की दो पैदाइश का जिक्र किया है, हल अता अल इंसानी हीन मिन अद्दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा। देखिए ये अबू ज़ैबी है, दुबई है, यूएई है, या जितने भी हमारे बड़े बड़े कंट्रीज हैं, ये हमेशा से तो नहीं है ना। एक वक्त था जमीन पे कुछ भी नहीं था, एक आदम और एक हव्वा अलैहिस्सलाम अल्लाह ने पैदा किए, उसके बाद फिर वह बस खमिन हुमा रिजालन कसीरा व निसा। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने आदम और हव्वा से बनाया और फिर पूरी जमीन को इंसानों से भर दिया मैंने। तो ये अल्लाह ताला ने किया क्यों, यानी अल्लाह ताला अबू धाबी बनाना चाहते थे इसलिए अल्लाह ने कायनात को बनाया, अल्लाह ताला ये चाहते थे कि पाकिस्तान बन जाए, अल्लाह ताला ये चाहते थे कि इंडिया बन जाए, ये तो हमारी जरूरत थी, हमने मुल्क बना लिए, हमने शहर बना लिए, लेकिन अल्लाह ने क्यों बनाया इंसान को और अल्लाह ने क्यों पैदा किया। तो अल्लाह के यहां जो ये जो सूरह दहर है ना, इसकी पहली आयत है, हल अता अलल इंसानी हीन मिन अद्दहर, फरमाए इंसान पर एक तवील जमाना ऐसा गुजर चुका है, लम यकुन शैअ मजकूरा, वो कुछ भी नहीं था,
हम मिट्टी थे। फरमाया इन्ना जालना इंसान मिन नुतफतिन, इन्ना जालना इन्ना खलकना इंसान मिन नुतफतिन अमशाज, हमने इंसान को एक पानी के कतरे से बनाया, और फिर अल्लाह ने इंसान को ऐसा जहीन बना दिया, फजालनाहु समीअन बसीरा, वो सुनता भी है देखता भी है। सोचने के लिए अल्लाह ने इंसान को दिमाग दिया, बहुत जहीन है। तो अल्लाह ने हमारी असलियत जिक्र की है कि तुम कुछ भी नहीं थे और तुम्हें मैंने बनाया। तो आपको मालूम है कि जो बनाने वाला है ना, वो बता सकता है कि मैंने इस चीज को क्यों बनाया। क्या ख्याल है? देखें, मोबाइल जब ईजाद हुआ तो कंपनी ने बताया ना कि ये किस मकसद के लिए। अब एक आदमी मोबाइल से पथराव में मोबाइल को इस्तेमाल कर रहा है, कहीं पथराव हो रहा है और उसके लिए क्या इस्तेमाल कर रहा है वो, कि भाई ये सर तोड़ने के काम आएगा, तो बेवकूफ होगा ना। सर फोड़ने के लिए पत्थर बनाया गया है, ठीक है ना, हथौड़े बनाए गए हैं, सर फोड़ने के लिए मोबाइल नहीं बनाया गया। अब एक आदमी क्या करता है, फुटबॉल को काटता है दरमियान से, दो हिस्सों में तकसीम करके घर में मेहमानों के सामने उसमें पानी डाल के या शरबत डाल के पेश कर रहे हैं। तो फुटबॉल बनाने वाली कंपनी क्या कहेगी, भाई ये खाना रखने के लिए और पानी के लिए नहीं है, ये किसके लिए, खेलने के लिए। और अगर आप घर में बर्तनों को वो जो खेलते हैं वो जो फ्रिस्बी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो घर वाले नाराज हो जाएंगे आपसे कि भाई ये इतनी मेहनत से जहेज में डिनर सेट मिला था हमको, ठीक है ना, जहेज में डिनर सेट मिला था खाने पीने के लिए, और ये हमारे शौहर ने फ्रिस्बी खेलना शुरू कर दी इससे। तो भाई दुनिया में जो भी चीज होती है उसका कोई मकसद होता है ना, कि उसको क्यों बनाया गया। तो अल्लाह ताला ने भी इंसान को बनाया है। देखें, जानवर भी खाते हैं कमाते हैं। अगर आप ये कहें ना अल्लाह ने हमें इसलिए बनाया कि हम भी कमाएं और हम भी खाएं और हम भी बच्चे पैदा करें और फिर हम बच्चों को खिलाएं और फिर हम मर जाएं, इसके लिए हमारी जरूरत, बोले ना भाई, नहीं। ये काम गधे पहले से, माजरत के साथ हम लोग गधे नहीं है, लेकिन ये काम गधे भी पहले से कर रहे थे। गधा भी खाता है या नहीं है, और चबाता भी है, क्या ख्याल है, और नस्ल भी बढ़ती है उसकी, और मेहनत भी करता है, बल्कि जितनी मेहनत गधा करता है इतनी कोई नहीं करता। तो मेहनत से अगर आप आला इंसान बन सकते हैं तो गधा फिर सबसे आला और बढ़तर है, कि मेहनत उसकी सबसे ज्यादा है। आप ये कह सकते हैं कि गधा जो है मेहनत तो करता है, मगर उसकी मेहनत भी तो गधों वाली होती है, और हमारी मेहनत क्या है, इंसानों वाली, लिहाजा हमें इसलिए फजीलत है। तो याद रखें, गधा गधों वाली मेहनत इसलिए करता है कि उसके पास सोचने के लिए दिमाग नहीं है। अगर दिमाग होता तो वो भी अबू ज़ैबी में बैठा हुआ होता, वो वहां लियारी में हल नहीं चला रहा होता, वो गधा गाड़ी नहीं चला रहा होता, ठीक है ना, और बैल हल नहीं चला रहा होता खेतों में। लेकिन जो मकसद है ना, मकसद वो गधे का भी वही है जो हमारी जिंदगी का मकसद बन चुका है। गधे का मकसद भी खाना पीना नस्ल बढ़ाना और बिलाखिर मर जाना। तो हमारी जिंदगी का जो मकसद है वो भी क्या बन चुका है, खाना पीना, रिहाइश के लिए अच्छा इंतजाम करना और नस्ल पैदा करना। फिर हम पहले ये काम करते हैं, फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे बच्चे ये काम करते हैं, फिर हम मर जाते हैं तो फिर बच्चे, यही सिलसिला चला रहा है। तो इस चीज में इंसान में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। तो अब सोचने की बात यह है कि अल्लाह ताला ने अगर हमें इस काम के लिए पैदा किया था कि खाओ पियो और मौज मस्ती करके मर जाओ, तो ये तो अल्लाह की हिकमत के बहरहाल खिलाफ है। ये कोई तो ऐसी मखलूक होनी चाहिए ना जिसको कोई बड़ा काम दिया हो अल्लाह ने, कोई तो ऐसी मखलूक होनी चाहिए। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिन अद्दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा। अल्लाह फरमाते इंसान कुछ भी नहीं था, हमने इंसान को बनाया, फजअलनाहु समीअन बसीरा, वो सुनता भी है देखता भी है। और फिर क्या हुआ, इन्ना हदैनाहु सबील, फिर हमने इंसान को रास्ते बता दिए, सही रास्ता भी और गलत रास्ता भी। यहां से इंसान के और जानवर के जो लाइफ स्टाइल है ना, उसमें फर्क शुरू हो जाता है। समझ में आ रही है बात? मेरा ख्याल है मैं समझा नहीं पा रहा अपनी बात, कि जानवर के पास गलत और सही रास्ते की तमीज नहीं होती, बल्कि ऑप्शन ही नहीं है कि वो गलत पे चले या सही पे चले। जानवर के पास सही और गलत का ऑप्शन नहीं है। क्या मतलब? जानवर के पास ये ऑप्शन नहीं है कि सच बोले
या दो नंबरी करके झूठ बोले, ये ऑप्शन है जानवर के पास। जो वो बोलना है वो उसे सच बोलना है तो सच बोलेगा, झूठ बोलना है तो झूठ बोलेगा। यानी अल्लाह ने उसमें डाल दिया, जो जानवर ने करना है जैसा उसको चलना है वो अल्लाह ने उसकी फितरत में डाल दिया। जानवर के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो वफादार बन जाए या बेवफा बन जाए। अल्लाह ने जिस जानवर को बावफा बनाना था उसको वफादारी के जो सॉफ्टवेयर है ना उसमें इंस्टॉल कर दिए अल्लाह ने। कुत्ता बेवफा होता है या वफादार होता है? पूरी दुनिया में जहां भी जाएंगे, चाहे उसके सरोजा लगाओ या ना लगाओ, क्या ख्याल है, कुत्ते ने फिर भी वफा करनी है कि नहीं करनी? बोलेंगे तो बात चलेगी भाई आगे। मैंने कहा बयान नहीं हो रहा, ये बातचीत हो रही है। वो इसमें आप खुल के जो सवाल पूछना हो आप करें, कि कोई मैं गलत बात करके जाऊं तो आप बोले मौली साहब ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, गलत बातें नहीं करो आप यहां पे। तो इसलिए कि बयान नहीं है, बातचीत है आपसे। तो कुत्ता जो है, कुत्ता वो वफादार होता है ना, क्या ख्याल है भाई? आपके यहां नहीं होता मेरा ख्याल है, वो जो पीछे बैठे हुए तो फिर जरा जी बोले ना ऐसे के। तो क्या कुत्ते को किसी ने बताया है, उसके मां बाप ने सिखाया है कि देखो जो भी बोटी डाले तो दुम हिलाना और सर झुकाना उसके सामने और आइंदा उसकी हिफाजत करना? ये कुदरत ने पैदाइशी तौर पे उसमें वफादारी के सॉफ्टवेयर डाल दिए। अब वो खुद बखुद वफा करेगा। और जो जानवर बेवफा हैं वो हमेशा बेवफा ही रहेंगे, हालांकि उनका उठना बैठना और गलत किस्म के लोगों में नहीं होता। तोता चश्मी मशहूर है ना, तोते को कितना खिलाएं कितना पिलाएं, लेकिन जहां उसके पर निकले और पिंजरे का दरवाजा खुला वो नहीं रहेगा, वो उड़ के भाग जाएगा। बाज पल जाएगा, शाहीन पल जाएगा, तोता नहीं पलेगा, उड़ जाएगा। तो अब ये जो तोते को बेवफाई है, क्या ये गलत किस्म के लोगों ने सिखाई है उसको, या उसका गलत लोगों में उठना बैठना था, चोर उचक्कों के साथ, गुटके वालों के साथ है भाई, कोई था ऐसा सिस्टम? भाई उसको अल्लाह ने जैसा बना दिया वो वैसा बन गया। बिल्ली की तबीयत में अल्लाह ने इस्तिग़ना रखा है। इस्तिग़ना एक अच्छी सिफत है कि आज खाओ कल की परवाह ना करो, अल्लाह तवक्कुल। बिल्ली को आप खिला दें, बोटी खाएगी, खाना खाएगी, अगले वक्त के लिए नहीं बचाएगी वो कहेगी भाई जिस अल्लाह ने आज खिलाया वो अल्लाह कल भी खिलाएगा, हालांकि उसका बुजुर्गों से कोई ताल्लुक नहीं होता। हमारे यहां तो बहुत अरसा बुजुर्गों के साथ रहो फिर तवक्कुल पैदा होता है ना, क्या ख्याल है भाई? बिल्ली में खुद ब खुद ये तवक्कुल है, आज खाएगी और कल के लिए नहीं, जब दोबारा भूख लगेगी फिर रिस्क की तलाश में निकलेगी। लेकिन कौवा इसके बिल्कुल बरक्स, कौवा इतना चलाक है वो खाता भी है और बचाता भी है, छुपाता है। हमने खुद देखा है कौओं को, तभी बाज लोग कहते हैं कौवा दायरे इस्लाम से खारिज है। यह एक हमने बुजुर्ग से सुना, उनका फतवा था, हमने कहा सर ये तो ज्यादा हो गया। लेकिन क्या है कि कौवा जो है, कौवा वो इस बुराई पर मजबूर है। अगर वो बुरा है और बेवफा है या वो चालाक है, डेढ़ होशियार है, तो इस चालाकी पर कुदरत ने उसको मजबूर कर दिया है। तो याद रखें, जानवर जो थे ना वो तो जैसा अल्लाह ने उनको बनाना था, जानवर खुद बहुत उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अहसना कुल्ल शयइन खलकहु फुम्मा हदा, फरमाया हमने बेहतरीन अंदाज से हर चीज को बनाया, फुम्मा हदा, फिर उनको उनके मुतय्यन रास्ते पर चला दिया। तो हर चीज ऐसे है, सिर्फ ये इंसान है जिसके पास ऑप्शन होता है, इम्मा शाकिरन या तो शुक्र गुजार बन जाओ, व इम्मा कफूरा या क्या बन जाओ, इंकार करने वाले, ना शुक्रे। कुफर का मतलब इंकार करना भी है, ना शुक्री भी है। ना शुक्री इसलिए कि जब किसी ने आपको कोई चीज दी, एहसान किया, आप उसका इंकार कर दें तो ये ना शुक्री की सबसे बड़ी यानी सूरत है ना, कि आप उसका इंकार ही कर दें। तो ना शुक्री या कुफर, तो पता चला कि इस कायनात में अल्लाह ने जो असल कौमें बनाई हैं वो सिर्फ दो ही कौमें हैं। एक कौम वो, थोड़ा आगे हो जाए आप ना पीछे, एक कौम वो है जो शुक्र गुजार है और एक कौम वो है जो शुक्र गुजार नहीं है। जो शुक्र गुजार कौम है उसको मुस्लिम कहा जाता है, जो ना शुक्री है उसको बोले भाई गैर मुस्लिम या काफिर कहा जाता है। मुस्लिम का माना फरमा बरदार, गैर मुस्लिम का माना फरमा बरदार नहीं है।
काफिर भी कहते हैं उसको, इंकार करने वाला या नाशुकरी करने वाला, और मुसलमान को शुक्रगुजार कह सकते हैं, शाकिर कह सकते हैं, शकूर कह सकते हैं। तो बड़ा मसला यह है कि हमें पहले तो ये अपने बारे में फैसला करना पड़ेगा कि हम हैं क्या, इस कैटेगरी वालों में हैं, या आज दुनिया कौमियत के नाम पे तकसीम हो गई है, समझ रहे हैं? तो जबकि अल्लाह के यहां तकसीम कौन सी है, मुझे मानने वाले, मेरी मानने वाले, दूसरे वो जो मुझे नहीं मानते और मेरी नहीं मानते, ये दो तकसीम है। तो पहले ये एहसास होना चाहिए कि हम हैं क्या। अगर हम उस कैटेगरी में हैं तो भाई फिर तो हमें ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजारनी चाहिए, क्या ख्याल है? ये जो नाशुकरी है ना, नाशुकरी, इसके दरजात होते हैं, दरजात। पहले नंबर की नाशुकरी ये है कि जिसने बनाया आप उसी का इनकार कर दो। जैसे गैर मुस्लिमों में बहुत सी ऐसी कौमें हैं जो अल्लाह के वजूद ही के मुनकिर हैं, बनाने वाला सिरे से कोई है ही नहीं। एक फ्री थिंकर भी एक फिरका वजूद में आया है, मैं तो पहले नहीं समझा, जी मलेशिया का सफर हुआ तो वहां पता चला कि ऐसे लोग भी हैं जो फ्री थिंकर हैं। यानी एक तो होता है ना एथियस्ट, एथियस्ट का मतलब ये होता है कि अल्लाह नहीं है, फ्री थिंकर का मतलब होता है कि हमें इससे बहस ही नहीं है कि अल्लाह है या नहीं, हर चीज से फ्री हूं मैं, यानी कोई सिरे से नजरिया ही नहीं है। जैसे कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है ना कि इसमें सब कुछ है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है। शुगर फ्री का मतलब इसमें सिरे से शुगर है ही नहीं। तो थिंकर फ्री का मतलब क्या है, फ्री थिंकर का मतलब यह कि सिरे से कोई थिंक है ही नहीं, सोचता ही नहीं हूं मैं, जी हाँ, यानी कोई नजरिया ही नहीं है। भाई एथियस तो कहते हैं अल्लाह नहीं है, ये कायनात खुद से बनी है, और जो जिसकी कोई थिंक ही नहीं वो कह रहे हैं हमें इससे बहस ही नहीं है कि खुद से बनी है या किसी ने बनाया, हमारा क्या, हमें तो रोटी चाहिए, खाना चाहिए, जॉब चाहिए, तनख्वाह चाहिए, पैसे चाहिए, बस हम तो इसी तरह जिंदगी गुजारे हैं, हमें यानी सिरे से कोई नजरिया ही नहीं है। तो मसला यह है कि यह सबसे बड़ी नाशुक्री है कि जिसने बनाया, जिसने पैदा किया, जो खिला रहा है, पिला रहा है, आप उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते, आप उसके बारे में बिल्कुल नजरियाती तौर पर आजाद हो गए हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है भाई आपको? आप एक जंगल में पड़े हुए हो, कहत से मरने का इम्कान हो आपके, कोई पुरसाने हाल नहीं है, आपको यकीन हो गया कि यहां मैं अकेला पड़े पड़े रेगिस्तान में मर जाऊंगा, ठीक है ना? लेकिन आपकी आंख लगती है, तो जब आंख खुलती है तो आप देखते हैं कि मेरे करीब पानी का गिलास रखा हुआ है और मेरे एक तरफ रोटी और सालन रखा हुआ है, ठीक है ना? आप बड़े खुश होते हो, यार ये पता नहीं कौन रख के चला गया। जरा भी गैरत होगी तो तजस्सुस की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे, दाएं बाएं देखेंगे। अब आप क्या करते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद फिर आप कहते हैं चलो एक टाइम का तो हो गया, अगला पता नहीं क्या होगा, अगले टाइम में जिंदा रहूंगा। फिर आपको भूख लगती है, कुछ वक्त के बाद प्यास लगती है, मरने लगते हैं, आप मौत की उम्मीद पे लेट जाते हैं और सो जाते हैं, फिर आपकी आंख खुलती है, तो फिर आप आंख लगती है, फिर जब आंख खुलती है तो फिर देखते हैं कि जनाब खाना रखा हुआ है और ठंडा पानी का गिलास करीब में रखा हुआ है आपके। अब आपको फिर फिक्र होगी कि नहीं होगी, यार ये कौन है जो मेरे लिए करके जा रहा है? आप दाएं बाएं देखोगे, आप गौर करोगे, आप तजस्सुस की कोशिश करोगे, फिर यहां तक भी आप कोशिश करोगे कि बार बार जब यह अमल आपके साथ होगा तो आप झूठ मूठ की आंखें बंद करके लेट जाओगे। आप कहोगे अब मैं ये जाहिर करूंगा कि मैं सो रहा हूं, लेकिन हकीकत में मैं सो नहीं रहूंगा, बल्कि जैसे ही कोई आएगा मैं आंख खोल के फौरन उसको पकड़ लूंगा और बोलूंगा भाई तू मेरे पर इतना एहसान क्यों कर रहा है, मुझसे इसकी कीमत वसूल करो, या कम से कम दर्जा क्या है भाई, शुक्रिया ही कह दूंगा उसको मैं। अब अगर कोई शख्स उस मौके पर मदद करके जा रहा हो आपकी रेगिस्तान में, बार बार पानी भी रख रहा हो, बार बार खाना भी रख रहा हो, और आप जनाब आपकी थिंक क्या है, आप उठते हैं और खा पी के सो जाते हैं, ना दाएं देखते हैं, ना बाएं देखते हैं, ना कोशिश करते हैं कौन है, कोई आपसे आके कहता है यार तुम पर इतना कोई एहसान कर रहा है तो तुम देखो तो सही, आपको मुझे क्या इससे भाई, मैं क्या हूं, मेरा कोई नजरिया से जैसे है ही नहीं, मुझे खाने से मतलब, मुझे पीने से मतलब, तो ये शुक्रगुजारी होगी या नाशुक्री होगी? और जो नाशुक्री है तो उस नाशुक्री पर ऐसे शख्स को सजा मिलना कि उससे वो रिस्क छीन ले, ये सजा का हकदार होगा या नहीं होगा? ये अगर उस खाना लाने वाले और पानी लाने वाले को पता चले कि ये जरा भी दाएं बाएं नहीं देख रहा और कुछ भी नहीं, तो वो कहे छोड़ो यार इसको क्या करना है, ऐसे नाशुक्रे को
तो वो सही गलत करेगा, सही करेगा, ये यकीनन सही करेगा कि इसके मुंह से निवाला छीन लेगा वो। तो याद रखें, जैसे सहरा में कोई शख्स पड़ा हुआ हो और उसके लिए खाने और पीने का इंतजाम कर देना, जैसे ये एहसान है, इसी तरह इंसान के दुनिया में आने से पहले मां की छातियों में दूध का इंतजाम कर देना, ये भी किसका एहसान है भाई? अल्लाह का एहसान है। अगर मां की छातियों में दूध पैदा ना होता तो हम जिंदा नहीं रहते, तड़प तड़प की एड़ियां रगड़ के मर जाते। साइंस आपको इतना तो बता देती है कि मां की छातियों में दूध कैसे पैदा होता है, लेकिन ये नहीं बताती कि ये सिस्टम किसी ने बनाया है, ये खुद ब खुद इतना जबरदस्त सिस्टम मां के पेट में, मां की छातियों में पैदा नहीं हो सकता। कैसी अजीब बात है कि वो मां जो पहले रोटी खाती थी उससे खून बनता था, उससे हड्डियां बनती हैं उसकी, जैसे ही बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो उसी रोटी से अब क्या बन रहा है? दूध बन रहा है। ये क्या इत्तेफाकी वाकया है? ये क्या इत्तेफाक से ऐसा हो रहा है? क्या खुद ब खुद हो रहा है ये सारा निजाम? अब कोई आपको आके बताए कि भाई ये खुद ब खुद नहीं हो रहा, आप कहें छोड़ो यार हमें इससे क्या बहस है कि खुद ब खुद हो रहा है या कोई कर रहा है, मैं मेरे तो कोई थिंक ही नहीं है, मैं सोचता ही नहीं इस टॉपिक पर कि कोई करने वाला है या नहीं, छोड़ो बस लेबोरेटरी में साइंसदान जो है ना वो अपने टेस्ट करते हैं और उसे पता चल जाता है कि दूध में क्या क्या चीजें रखी हुई और दूध बनता कैसे मां के पेट, मां की छाती में, बस हमें इतना काफी है। बाकी ये सिस्टम किसने बनाया, ये मां के जिस्म में ये जो है ना रखा किसने है ये सिस्टम, हमें इससे बहस की जरूरत नहीं है। तो इससे बड़ी कोई नाशुकरी हो सकती है? फिर आप जब दुनिया में आए तो सिर्फ आपको दूध की जरूरत नहीं थी, आपको आपकी रखवाली के लिए एक अदद मोहब्बत करने वाली मां की जरूरत भी थी, उसका भी अल्लाह ने पेशगी इंतजाम कर दिया कि नहीं कर दिया। फिर बाप की जरूरत भी थी, जो मोहब्बत मां देती है वो बाप नहीं देता और जो बाप मोहब्बत देता है वो मां नहीं देती, तभी वही बच्चा सही खुशकिस्मत समझा जाता है जिसकी मां भी जिंदा हो और बाप भी जिंदा हो, क्योंकि वो जिस तरह टूट के मोहब्बत करते हैं इस तरह कोई मोहब्बत नहीं करता। तो वालदेन के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत पैदा कर दी। उस वक्त तो बच्चे थे, आपकी मैं समझबूझ नहीं थी, जब आप बड़े हो गए तो क्या आपको यह सोचना नहीं चाहिए कि कौन है जिसने मेरे मुझ पर यह एहसान किया कि जब मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत की जरूरत थी तो उसने मेरे वालदेन के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा कर दी। वरना किसी गैर का बच्चा कोई पाल के दिखाए, थोड़ी देर आदमी गोद में रखता है, उसके बाद कहता है भाई इसको ले जाओ तंग कर रहा है, मां बाप नहीं छोड़ते उसको। आप कह सकते हैं ये तो फितरत है। आजकल क्या करते हैं गैर मुस्लिम ने हर चीज को नेचर के खाते में डाल दी है कि ये तो नेचुरल है मां बाप की मोहब्बत होना। तो ये नेचर बनाई किसने? अगर ये खुद बखुद होता तो बहुत सी मखलूक ऐसी है जो बच्चे जनती है मगर अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करती। मुर्गी भी अंडे देती है उससे चूजे निकलते हैं, कैसे पालती है उनको? मछली भी अंडे देती है उससे मछलियां निकलती है तो पालती है, वो खा जाती है। सांप भी अंडे देता है, उसकी मादा अंडे देती है, उससे जब सांप निकलते हैं तो वो क्या मां की ममता मिलती है उनको? कभी देखा आपने सांप नहीं अपने बच्चों को प्यार कर रही हो, मेरे छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह मैंने इतने लोगों को डसा, अब ये भी बड़े होकर बड़े बड़े लोगों को डसेंगे, वो खुद ही डसती है, वो सांप है तो हमारा तो काम है डसना, पहले अपने बच्चों को खाएगी वो। तो इंसान को जो मां बाप से मोहब्बत मिलती है ये खुद ब खुद नहीं है, ये मोहब्बत के सॉफ्टवेयर किसने इंस्टॉल किए हैं? अल्लाह ने किए हैं। तो तजस्सुस होना चाहिए कि भाई कोई जात है जिसने बचपन में हमारे लिए ऐसा इंतजाम किया, बाप और मां की हमें मोहब्बत दे दी उसने। फिर जब हम आए, फिर क्या है, अल्लाह फरमाते हैं अनज़ला मिनस समाई माअ खलक़ा मिनल माई बशरन फजअलहू नसबन वसीरा, पानी से इंसान को बनाया और फिर उसे खानदान में पैदा किया और फिर आसमान से पानी बरसे। हमें जरूरत है खाने की, गंदम की, चावल की, गोश्त की, क्या क्या चीजें हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि हमने क्या किया, आसमान से पानी बरसाया और वलकद सर्रफनाहू बैनहुम, उस पानी को हमने इनके दरमियान फैला दिया। बरसता पानी पहाड़ों पे है, आप जाएं गिलगित के पहाड़ों पर ना 7000 फुट की बुलंदी पर हैं, तो क्या होगा पहाड़ की चोटी पे से पानी निकल रहा है। एक साहब को मैं बता रहा था गिलगित के गांव का वाकया सुना रहा था, यार बड़ा आबशारें बहुत है वहां, तो वो मुझसे हैरान होकर पूछते हैं कि इतना जब 7000 फुट की बुलंदी पर है तो पानी वहां चढ़ता कैसे है? भाई भाई इंसान के लिए 7000 फुट की बुलंदी पर चढ़ना आसान है क्या? बसें कितनी देर तक घूमती रहती है, घूमती रहती है, तो वहां तो पानी कम होना चाहिए ना, लेकिन पहाड़ी इलाकों में पानी अक्सर ज्यादा होता है।
ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में पानी होता है, ज्यादातर ग्रीनरी उन्हीं इलाकों में होती है। और कमाल की बात यह है कि चलो बारिशों का पानी वहां बरस रहा है, चश्मे भी ज्यादातर कहां होते हैं, पहाड़ी इलाकों में होते हैं। वो पानी जमीन में जाके नीचे नहीं जाता, अल्लाह उस पानी को रिवर्स गियर लगा देते हैं और पहाड़ की चोटियों से पानी निकलता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इंसान को जमीन में जब फैलाया है तो उसमें पहाड़ भी है, मैदान भी है। अगर मैदानों में पानी ज्यादा होता तो पहाड़ पर रहने वाली मखलूक को पानी नहीं मिलता। अल्लाह ने कहा पहाड़ की चोटी पे पानी ज्यादा पैदा करो, मैदान में खुद बहुत फिसल के पहुंच जाएगा पानी। तो पहाड़ पे रहने वाले इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो वो एक गिलास पानी रख के जा रहा है सहरा में, उसको तो ख्याल होता है और होना भी चाहिए कि कौन पिला रहा है, और यहां जो पूरे पूरे चश्मे बह रहे हैं पहाड़ों से, साफ पानी उबल रहा है पहाड़ों की चोटियों से, और बड़े बड़े चश्मे, और फिर वो चश्मे मिलके बड़े बड़े दरिया बनते हैं और पूरी कौम सैराब होती है, नल के जब खोलो पानी निकल रहा होगा उसमें से, और लाइनों का पानी और पीने का पानी, कपड़े भी उसी में धुल रहे हैं, इतना पानी पैदा हो रहा है, आसमान से बरस रहा है। तो और इस पानी, यही पानी जमीन में जा रहा है तो गंदम और नबातात पैदा कर रहा है। आप जमीन को खोद के देखें ना, उसमें केले का रंग नजर आएगा, ना माल्टे का रंग नजर आएगा, ना नाशपाती नजर आएगी, ना गंदम। वो क्या है? गोबर और मिट्टी, कुछ भी नहीं है। लेकिन वही पानी जमीन पे लगता है, उसी में खरबूजे पैदा हो रहे हैं, निकल रहे हैं जमीन, ऐसा लग रहा है जमीन जो है ना खजाने निकाल रही है, और खरबूजा निकाल रही है, गंदम निकाल रही है, चने की दाल निकाल रही है, माश की दाल निकाल रही है, और जनाब लोबिया निकाल रही है, काला चना है। कभी होटल जाए ना तो वो खानों के नाम कैसे लेता है, होटल जाए ना आप तो कराची का, तो पंजाब और कराची में तो देखा होगा, इंडिया वालों का मुझे पता नहीं है, कभी होटल जाए तो भाई क्या है खाने में, तो पता नहीं क्या गर्दान पड़ना शुरू कर देता है, वो एक पूरी गर्दान पड़ना शुरू कर देता है, अंडा घोटाला और पता नहीं क्या क्या चलो उसने याद किया हुआ होता है। वो सारी चीजें निकल कहां से रही है? मिट्टी और गोबर से। टमाटर भी है मिट्टी गोबर से निकल रहा है, और हर चीज, हत्ता के जो गोश्त हम खाते हैं, ये गोश्त जानवर कहां से हासिल करते हैं? घास फूस खाते हैं जिससे गोश्त बनता है, और ये घास कहां से निकली है? जमीन से निकली। दूध हम पीते हैं, अल्लाह ने फरमाया इन्ना लकुम फिल अनाम इबरा, इन चौपायों में तुम्हारे लिए इबरत का सामान है, इनको देखोगे तो पता चलेगा कि तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है और बड़ी कुदरत वाला है। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही, फरमाया इसके पेट से हम तुम्हें दूध निकाल के पिलाते हैं, और वो दूध बनता किस चीज से है? मिम्बईनी फरफिन वदमिन, सूखा चारा खाती है गाय, सूखा चारा। अगर अल्लाह जानवर की खुराक बादाम और पिस्ते रखते फिर उससे दूध निकलता तो समझ में आता, भाई उसमें भी चिकनाई है, वही चिकनाई कन्वर्ट होके दूध में आ जाती है। खाती क्या है गाय और भैंस, खाती क्या है? सूखा चारा। उसे आप रगड़ के देखें, किसी साइंसदान के पास ले जाएं कि यार इसको रगड़ो और इसमें से तेल का एक कतरा निकाल के दिखा दो, वो कहेगा इसको रगड़ रगड़ के मेरा तेल निकल आएगा मगर इसमें से तेल नहीं निकलेगा, ये तो सूखा है, खुश्क। वो सूखा चारा जो किसी काम का नहीं होता, कचरे के काम आता है फेंकने के, वो अल्लाह खिलाते हैं किसको? गाय को, बकरी को, भेड़ को, और ये भैंस को। और फिर उस सूखे चारे से कैसा चिकना गाढ़ा दूध निकलता है, उसी से खून भी बनता है जो ईंधन का काम देता है, और गाय को जिंदा रखने के लिए उसी से चिकना और गाढ़ा दूध भी निकलता है। फिर उस दूध को आप गर्म करें, कितनी मोटी मलाई, फिर उस दूध में से घी भी। तो जो जाहिर परस्त थे उन्होंने उस गाय ही को की पूजा करना शुरू कर दी कि ये हमारी खिदमत कर रही है, हिंदुओं ने उस गाय को खुदा बना लिया। अल्लाह फरमाते हैं ला तसजुदु लिश्शम्सि वला लिलकमर, न सूरज को सजदा करो न चांद को, इनके हुसन को देखकर, इनकी ताकत को देखकर इनसे मुतासिर ना हो। वसजुदु लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्न, जिस जात ने इन जानवरों को बनाया और चांद और सूरज को बनाया, ये उसका कमाल है, ये गाय का कमाल नहीं है जो आपको दूध पिला रही है, ये गाय बनाने वाले का कमाल है कि इस जानवर से तुम्हारे लिए इतना बाल्टियां भर भर के दूध निकाल रहे हैं वो। फरमाया कि नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा मिन बैनि फरथिन वदमिन लबनन खालिसन साइगल लिश्शारिबीन, जब दूध निकलता है तो आप देखें उसमें ना खून की बदबू होती है, ना खून की रंगत है, ना गोबर की बदबू, ना गोबर की रंगत, इन तमाम चीजों से खालिस। और मजे का कितना है, साइगल लिश्शारिबीन, पीने वालों के हलक में फिसलता चला जाता है। तो
आप रेगिस्तान पे लेटे हुए हैं, वो पानी भी पिला के जा रहा है, दूध भी रख के जा रहा है, ठीक है ना, आप पिए जा रहे हैं और हम सब ऐसे ही कर रहे हैं। ये दुनिया तो रेगिस्तान है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर अल्लाह पानी बरसाना छोड़ दे तो ये जो है वो यहां कुछ पैदा होगा, फिर कुछ नजर आएगा हमें लहलहाता हुआ, सब खत्म हो जाएगा। ये बिल्डिंग है और ये सड़कें और ये हमारी जो है ना जितनी भी फूफा है, ये 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक आसमान का पानी है जो बरस रहा है और ये सारी चीजें और हमारी जो मिलों की मशीनें हैं उनका पहिया घूम रहा है और उससे क्या क्या चीजें पैदा हो रही। तो ये अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है, कितना बड़ा एहसान है कि उसने बनाया, फिर उसने जवान किया। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि फजाल अमिन हुवल्लजी खलक लकुम हुवल्लजी जाल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। फिर इंसान जब बुलूगत की दहलीज पे कदम रखता है तो मर्द है तो उसमें औरत की रगबत पैदा होती है, औरत है तो मर्द की रगबत पैदा होती है। तो अल्लाह ने मर्द के लिए औरत को और औरत के लिए मर्द को बनाया। ऐसा नहीं कि सारे मर्द ही पैदा कर दिए और उनकी तस्कीन के लिए औरत को ना बनाया हो, ऐसा नहीं कि सारी औरतें ही पैदा कर दी उनके लिए मर्द को ना बनाया। तो आपके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई, उसका अल्लाह ने एक इंतजाम किया कि दुनिया में औरतें भी पैदा कर दी ताकि आप उनसे निकाह कर सको। तो आपकी एक जरूरत थी, वो भी क्या ये खुद ब खुद पूरी हो रही है या कोई जात है जिसने हमारी जरूरतों का ख्याल किया कि भाई इनको ये सिस्टम होना चाहिए इनका। इसी वजह से मैं बार बार बयान में कहता हूं कि अल्लाह ने तो औरतों को इसलिए पैदा किया ताकि हम क्या करें उनसे, बोलो ना, कोई नहीं सुनने वाला, डरे नहीं, बिल्कुल डरे नहीं, तो कोई केस नहीं बन, बातें करने पे कुछ नहीं होता, बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। तो किस लिए बनाया अल्लाह ने, निकाह करें उनसे, वो अलग बात है, हम नहीं कर रहे, हम पागल हैं, हम कह रहे हैं नहीं अभी नहीं, 30 साल का हो जाऊंगा, 35 साल का हो जाऊंगा। तो ये तो हम जुल्म कर रहे हैं ना अपनी जात पर, लेकिन अल्लाह ने तो पैदा भी किया और अल्लाह ने निकाह की तरगीब भी दे दी। तो अल्लाह का तो ये निजाम है, औरत के लिए भी मर्द के लिए भी। तो अगर अकल होगी तो अकल से हम सोचेंगे कौन है वो जात जिसने मुझे मर्द बनाकर मेरे दिल में औरत की रगबत रखी और फिर अल्लाह ने औरतों को पैदा भी किया और मेरे लिए निकाह को आसान भी कर दिया। तो जो शुक्रगुजार होगा वो इस पर सोचेगा कि नहीं सोचेगा, और जो नाशुकरा होगा वो क्या कहेगा, फ्री थिंक क्या है मेरी, क्या जरूरत है। ठीक है, अल्लाह ने फिर इसका भी फरमाया तमत्ताऊ, खाओ पियो, मौज मस्तियां करो, जिंदगी गुजारो, मजे उड़ाओ, फइन्ना मसीरकुम इलन्नार। फरमाया आना कहां है, जहन्नम की आग की तरफ आना कहां है, ये नेमतें तुमसे छिन जाएंगी। तो यार मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा आपके सामने, तो ये बात खूब हमें अच्छी तरह जहन में सोच लेनी चाहिए कि हम मानने वाले हैं या इंकार करने वाले हैं। हम यकीनन मानने वाले हैं ना, हम मानते हैं कि भाई ये सारे काम अल्लाह कर रहा है। तो याद रखो, इंकार की एक सूरत तो यह है कि काफिरों की तरह जबान से इंकार कर दिया जाए कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, या एक इंकार की सूरत यह है कि अल्लाह को माने इंसान मगर अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक कर ले। जैसे हिंदू भगवान को भी मानते हैं कि अल्लाह है एक आसमान पे जिसको वो भगवान कहते हैं, और साथ साथ गाय को भी मानते हैं। तो अल्लाह कहते हैं गाय को निकालो, ठीक है ना, गाय भगवान नहीं है, इसको निकालो, सिर्फ एक खुदा है जिसने इस जानवर को बनाया, लिहाजा उसी की इबादत होगी, इस जानवर की इबादत नहीं होगी। बाज कौमें क्या है, वो सूरज की भी इबादत करती हैं, कहती है सूरज इतनी, देखो हमें अंधेरे के साथ रोशनी की भी जरूरत है ना, सूरज ना हो तो बहुत सारे काम ना हो, मर गया इंसान, सूरज की रोशनी बहुत सारी काम कर रही है। तो जब लोगों ने देखा कि सूरज इतनी खिदमत कर रहा है तो उन्होंने सूरज को भी सजदा करना शुरू कर दिया। अल्लाह ने कहा ना ना ना, ये तो तुम्हारा गुलाम है, आपको हुकूमत, आप कहीं ऑफिसर हो और हुकूमत कोई सर्वेंट दे दे आपको, वो आपकी खिदमत कर रहे हैं, आप बटन दबा रहे हैं, वो चाय लेकर आ रहा है, आप जनाब कपड़े दे रहे हैं तो इस्तरी करके ला रहा है, आपने कहे तुम बड़ा खिदमत गुजार है, आपने उसी को सजदा करना शुरू कर दिया, तो परले दर्जे की हमाकत और बेवकूफी है या नहीं है भाई। उसको चाहिए था आपको सजदा करते, आप बॉस है उसके, वो आपका गुलाम है। तो सूरज हमारा गुलाम है, हमारी खिदमत कर रहा है, चांद हमारी खिदमत कर रहा है, गाय हमारी, ये गाय इसलिए कह रहा हूं कि हिंदू इबादत करते हैं ना, गाय हमारी खिदमत कर रही है, तो ये सर्वेंट हैं, और हमने क्या किया, इन्हीं के सामने सर झुकाना शुरू कर दिया। तो अल्लाह को गुस्सा आएगा कि तुम बड़े थे वो छोटे, तुम उससे, तुम अशरफुल जो है ना, अशरफुल मखलूकात थे। तभी अल्लाह ने क्या फरमाया कि जिसने शिर्क किया फकअन्नमा खर्र मिनस समाई इलल अर्ज, वो आसमान की बुलंदियों से जमीन की पस्तियों में चला गया, ऊंचा मकाम अल्लाह ने दिया था वो बहुत ही जलील हो गया। और दूसरा जुर्म क्या है शिर्क में, कि अल्लाह को बड़ी गैरत आती है कि जिसकी को, यानी जिसने दी ये नेमतें उसको छोड़कर किसी दूसरे के दर पे
क्यों जा रहे हो। अब देखो वो रेगिस्तान वाली मिसाल देख लो कि जो आदमी आपकी खिदमत कर रहा है, आपको मरने से बचा रहा है, खाना ला के रख रहा है, पानी ला के रख रहा है, आपने पहचान भी लिया कि भाई ये बंदा है जो आता है मेरी खिदमत करता है, शुक्रिया आप किसका अदा कर रहे हैं, किसी और का अदा कर रहे हैं, उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भाई सारी खिदमत तो मैंने की और शुक्रिया किसी और का अदा किया जा रहा है। तो अल्लाह अपने साथ गैर की शिरकत बर्दाश्त नहीं करते। तो आला दर्जे का कुफर यह है कि अल्लाह का इंकार किया जाए या अल्लाह को माना जाए मगर अल्लाह के साथ दूसरों को भी उसमें शरीक कर ले, चाहे वो दूसरा कोई पैगंबर ही क्यों ना हो। शिर्क जैसे किसी बुतों को अल्लाह के साथ शरीक करना हराम है, ऐसे ही पैगंबरों को भी अल्लाह के साथ शरीक करना हराम है। हमारा ये नजरिया है कि सारी कायनात तने तनहा अल्लाह ने बनाई, सर झुकाने के लायक तने तनहा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात, हमारी हाजत रवाई मुश्किल कुशाई करने के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है, इसमें कोई पैगंबर भी अल्लाह के साथ शरीक नहीं है। अगर आप पैगंबर को भी शरीक करेंगे, देखो ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, माबूद मानते हैं, जन्नती है या जहन्नमी है, हालांकि अल्लाह के महबूब बंदे थे ईसा इब्ने मरियम। तो अल्लाह कहते हैं क्यों, जब उन्होंने नहीं किया, उन्होंने तुम्हें बनाया नहीं है, रिस्क देने वाले वो नहीं है, ईसा इब्ने मरियम नहीं है। ईसा इब्ने मरियम की जो हैसियत है वो तो मेरा तारुफ है कि ईसा इब्ने मरियम ने तुम्हारे सामने मेरा तारुफ करवाया, असल तो मैं हूं। तो जब पैगंबरों को अल्लाह के साथ शरीक नहीं किया जा सकता तो औलिया अल्लाह को कैसे शरीक किया जा सकता है। तो नाशुकरी का पहला मकाम क्या है कि आप अल्लाह का इंकार करें या अल्लाह के साथ किसी को शरीक करें। तो मुसलमान जो है तौहीद परस्त वो नाशुकरी के इस मकाम पे तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता। हम सब अल्लाह को मानते हैं, हम सब मानते हैं कि भाई इस कायनात को बनाया है अल्लाह ने, बनाया है और वो ये सारे काम वो कर रहे हैं। लेकिन नाशुकरी का एक दूसरा दर्जा भी है, वो ये है कि आप सब कुछ मानने के बावजूद कि सारे काम ये कर रहा है मगर उसका शुक्रिया अदा करने के लिए तैयार नहीं। कह रहे हैं भाई ठीक है कर रहा है तो क्या करें, भाई मैं रेगिस्तान में मरने वाला था, इसने पानी लाके पिला दिया, तो मैं क्यों बोलूं थैंक यू, मैं क्यों बोलूं शुक्रिया, मैं क्यों बोलूं जजाकल्ला, बस है ना हो गया तो ठीक है, अब क्या है, चलो यहां से जाओ। ये भी तो बड़ी बेशर्मी की बात है या नहीं है। तो आपने मान लिया कि भाई अल्लाह ने मां की छातियों में दूध पैदा किया था, अल्लाह ने खिलाया, अल्लाह ने पिलाया, तो अब क्या करें, दाढ़ी रखें क्या? अब भाई अल्लाह ने कहा दाढ़ी रखो तो क्यों रखें दाढ़ी, अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो तो छोड़ो यार, बस खिलाया पिलाया तो खा लेंगे, सुबह नाश्ता कर लेंगे ना, क्या ख्याल है भाई? अल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह ने कहा ना कि मैंने ये सारी नेमतें की हैं, तो अब अल्लाह ने कहा कि मेरा शुक्र अदा करो ना, पहले तो ये बताएं अल्लाह ने कहा है कि नहीं कहा, या आप समझ रहे हैं शायद कहा ही नहीं है कहीं, अल्लाह ने कहा है ना कि इम्मा शाकिरन, शुक्र गुजार लोग बनते हैं या क्या बनते हैं, ना शुक्र। तो अब शुक्र गुजारी का पहला दर्जा अल्लाह को मानना, वो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया, वो हम सब मानते हैं। दूसरा दर्जा क्या है कि अल्लाह कहते हैं कि शुक्र गुजार वो हैं जो मेरी मान के चलेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जिस चीज को मैं कह दूं कि मत करो उस काम से रुक जाएंगे, और जिस चीज को मैं कह दूं कि ये लाजमी करना है तो वो काम करेंगे। देखो वालदैन ने पाला पोसा आपको, जवान किया, अब वालदैन कहते हैं बेटा जरा पानी पिला दो, आप कहते हैं अब्बा आप बहुत अच्छे हैं, आपके मुझ पर बहुत सारे एहसानात हैं, आपने बचपन में मुझे पाला पोसा और आपकी वजह से मुझे कौम मिली, मुझे नाम मिला और आपकी वजह से मुझे बड़े फायदे हासिल हुए, मैं आपका बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। अब्बा कहते हैं बेटा ठीक है लेकिन मेरे से चला नहीं जा रहा, तो जरा वहां से एक गिलास पानी धुला दे। आप कह रहे हैं अब्बा देखो ये तो मैं मानता हूं कि आप मेरे क्या हैं, अब्बा हैं, ये भी मानता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं, आपकी नेमतें बहुत हैं, पानी नहीं पिलाऊंगा मैं आपको, है भाई पानी, हम लोग का यही हाल है। अब्बा ने कहा चल बेटा ऐसा कर, अच्छा कम से कम चलो ये जो मैं कर रहा हूं, कह रहा हूं कि ये करो वो तो नहीं कर रहे, लेकिन ये जो अभी कर रहे हो ना कि तुम जो काम कुछ भी कर रहे हो वहां बैठ के, ये ना करो, सही है ना, उंगलियां ना चटको मेरे सामने बैठ के। एक मिसाल दे रहा हूं, बाज लोग चटक रहे होते हैं ना, गुस्सा आता है लोग बड़े को, उंगलियां ना चटको, आप कहें वो तो मैं चटकूंगा, मुझे बड़ा सुकून मिलता है उंगलियां चटकने से। तो अब्बा कहेगा भाई फिर क्या जरूरत है मेरी इतनी तारीफें करने की, ऐसा मानना ना मानना क्या है, बराबर है। तो हम ये तो नहीं कहते कि मानना ना मानना बराबर है, बहरहाल मुसलमान चाहे नाफरमान ही क्यों ना हो, काफिर से फिर भी बेहतर है अल्लाह की नजर में। लेकिन उर्फ के लिहाज से देखा जाए तो भाई शुक्रगुजार उसको कहते हैं कि अल्लाह ने जब कह दिया कि ये करो तो हम कर लें, और जब अल्लाह ने कहा नहीं करो तो हम नहीं करें। अल्लाह ने कहा ना फर्ज नमाज पढ़ने का,
अल्लाह ने कहा ना दाढ़ी रखने का, मेरा मकसद किसी बगैर दाढ़ी वाले को मजाक उड़ाना नहीं, हम दाढ़ी होके भी हो सकता है बदतर हो, ये तो पूरा आमाल तोले जाएंगे ना क्यामत के दिन, तो एक नेकी तो नजर आती है किसी की, हो सकता है बुराई है उसके अंदर, तो मकसद तो एक बात को वाजे करना है कि अल्लाह ने कहा भाई दाढ़ी रख लो, अल्लाह ने औरत को कहा पर्दा कर लो, कहा ना अल्लाह ने, वो अलग बात है कि आजकल ऐसे प्रोफेसर लोग मार्केट में आ रहे हैं जो पर्दे का भी इंकार कर दिया, दाढ़ी का भी इंकार कर दिया, नमाज का भी इंकार हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ज़कात का भी इंकार हो रहा है, इसने कहा कि ज़कात तो ये टैक्स है ना, यही ज़कात है, तो वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता दीन में क्या हो रही है तहरीफ, लेकिन हर दौर में ऐसे उलमा मौजूद रहेंगे उस तहरीफ से दीन को बचाते रहेंगे। तो जो असल हमारा दीन है कुरान और सुन्नत है, उसमें नमाज भी है, क्या ख्याल है भाई, उसमें ज़कात भी है, और अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया आकुल लिहा दाढ़ियां बढ़ाओ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को क्या हुक्म दिया, पर्दे का हुक्म, कुरान में है ना युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, घर से बाहर निकले तो चादरें लटकाएं। फिर अल्लाह ने औरत को यह हुक्म दिया कि अपने करीबी रिश्तेदारों से जो नामहरम है उनसे भी पर्दा करे। हमारे मुआशरे में यह चीज भी खत्म हो गई। अल्लाह ने कहा कि औरत अपनी जीनत अपने बाप के सामने जाहिर कर सकती है, अपने भाई के सामने, भतीजे भांजे के सामने, सुसर के सामने जाहिर कर सकती है, इसके अलावा जितने भी हैं देवर के सामने जीनत जाहिर, बोले ना भाई नहीं कर सकते। अब हम कहते हैं बहुत मुश्किल लोगों में, नहीं होता भाई, घरों में ऐसा नहीं हो सकता औरत देवर से, भाभी मेरी मुझसे पर्दा करे, ये हम लोग नहीं ऐसे, हम लोग ये, तो भाई आप लोग फिर जो है फिर आप ये ना बोले ना कि हम लोग मुसलमान है, क्या ख्याल है, या तो ये बोले भाई मुश्किल बहुत है मगर अल्लाह का हुक्म बिल्कुल सही है, हमें मुश्किलात हो रही है, हम दुआ करते हैं कोशिश करते हैं, अल्लाह बड़े नाशुक्रे हैं तू हमें तौफीक दे दे, और आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे कोई बीमार होता है उसे पता है कि भाई ये सिगरेट अगर मैंने नहीं छोड़ी तो मर जाऊंगा, तो डॉक्टर के पास आके कहता है ना डॉक्टर साहब गलत कर रहा हूं, मुझे पता है दो चार महीने में सिगरेट की वजह से मर जाऊंगा, लेकिन कोई तरीका बताओ छुड़वा दो ये मुझसे, मैं तो चाहता हूं छोड़ना, तो यूं करेंगे ना, यूं कहेंगे यार ये कि मर गए तो मर गए क्या हुआ, कोई ऐसा कहता है कि यार दो महीने, डॉक्टर ने किसी को बताया हो कि आपको टीबी हो गई है सिगरेट पिया तो दो महीने में मरेंगे और मरने का पूरा पूरा यकीन है कि मर जाएंगे आप, तो ये थोड़ी कहेंगे जाओ यार क्या होता है मर गए तो मर गए। तो अभी ऐसे ही है मुसलमानों, औरत को बताया जाए पर्दा करो वरना जहन्नम में जाओगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद वईदें हैं, जो औरतें अधूरा लिबास पहनती हैं, जो औरतें चुस्त कपड़े पहनती हैं और मर्दों को अपनी तरफ माइल करती हैं, आपने फरमाया ला यजिदन रिहल जन्ना व इन रिहहा लयूजदु मिन मसीरति कदा व कदा, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, तो जन्नत में नहीं जाएंगी तो क्या मतलब कहां जाएंगी फिर, क्योंकि और तो कोई डिपार्टमेंट नहीं है वहां पे, सही है ना, या जन्नत है या क्या है, आराफ होगा वो भी थोड़े वक्त के लिए होगा, उसके बाद या तो वो भी जन्नत और दूसरा क्या है जहन्नम, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ना इधर के ना उधर के, तो कितनी बड़ी वईद है। अल्लाह कह रहे जब मैं खिला रहा हूं मैं पिला रहा हूं तो मैं औरत को हुक्म देता हूं कि उसकी जीनत उसके शोहर के लिए, उसके अलावा किसी और के लिए नहीं है, पर्दा करे वो। खवातीन कहती हमसे नहीं होता, बहुत मुश्किल है मुआशरे में सर्वाइव करना, बड़ा मुश्किल है। मर्द को अल्लाह ने कहा अपने नबी की जबान से अशरु मिन खिसाल अल-अंबिया कमा कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 10 चीजें पैगंबरों की फितरत हैं, पैगंबरों के जरिए अल्लाह ने हुक्म दिया, उनमें नाखून काटना, उनमें दाढ़ी बढ़ाना, उनमें जो है दांतों को साफ रखना। अब नाखून खवातीन क्या कर रही है, बढ़ा रही है, बोलो भाई काटो इनको नाखून को, नहीं भाई फैशन नहीं है, ठीक है रख ले नाखून आप, अल्लाह ने क्या फरमाया तमत्ताउ मजे उड़ाओ, नतीजा क्या निकलेगा फइन्ना मसीरकुम इलन्नार, होगा कुछ भी नहीं। जैसे टीबी के मरीज को डॉक्टर ने कहा कि वो छोड़ दो आप सिगरेट छोड़ दो, तो कहेगा नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगा, कोई बात नहीं, डॉक्टर क्या कहेगा भाई नहीं छोड़ो, होगा क्या, मर जाएंगे ना, मर जाओगे। तो मौत से याद रखो, मौत बहुत हल्की चीज है, जहन्नम की आग मौत से बहुत सख्त है, अल्लाह ने पैदा करके छोड़ नहीं दिया है, ये गलत फहमी है कि अल्लाह ये सारी चीजें खिला रहा है और कह रहा है कि तुम जो मर्जी करो, ऐसा नहीं होता, अल्लाह ने आजमाइश के लिए पैदा किया है, अल्लाह ने पैदा किया फिर अल्लाह पूछेगा कि मेरी शुक्रगुजारी की या नहीं की। हां ये अलग बात है अल्लाह ने उस शुक्रगुजारी को बहुत मुश्किल नहीं बनाया और फरमाया कि ये तुम्हारी फितरत है जिस पे चलने का मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, मुश्किल नहीं है वो, यहां लोग कहते ना माफी मुश्किल, ये अलग सुना होगा ना, माफी मुश्किल, तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर अल्लाह मुश्किल अहकाम देता तो फिर इस किस्म के अहकाम, फिर औरत को हुक्म होता पर्दा करने की इजाजत नहीं है, ये मुश्किल हुक्म था क्योंकि औरत की फितरत है कि वो मर्दों की निगाहें और सब मर्द उससे जो है ना वो हराम तलज्जुब हासिल करें, ये बहुत बोझ होती है चीज औरत की तबीयत पे,
ये फितरत के खिलाफ है। अगर हुक्म दिया जाता कि मां बाप को ओल्ड हाउस में जमा करा दो बुढ़ापे में, ये मुश्किल हुक्म था, क्या ख्याल है? कहते यार कैसे इन मां बाप ने हमको पाला है, खिलाया, हम कैसे इसको ओल्ड हाउस में जमा कराएं? भाई जाके हुक्म क्या दिया, ओल्ड हाउस में जमा मत कराओ। ये तो आयन हमारी फितरत के मुताबिक हुक्म है। अल्लाह कह देता कि तुम भी चाइनीज की तरह कुत्ते और बिल्ली खाओ, माज अल्लाह, बकरीद में क्या जबा किया करो, बिल्ले खाया करो जैसे चाइनीज खाते हैं। ये मुश्किल होता, आसान हुक्म होता, मुश्किल होता, बहुत मुश्किल यार, क्या खिलाया जा रहा है हमको? वो तो बेचारे खा खा के आदि हो गए, इसलिए उनको मुश्किल नहीं लग रहा, वरना पहली दफा में ये चीजें नहीं खाई जा सकती। अल्लाह ने क्या फरमाया, कुलू मिन तय्यिबात, हलाल और पाकीज़ा चीजें खाओ, साफ सुथरी हलाल चीजें खाओ। तो फितरत है। हां, मुश्किलात क्यों पेश आती है कि कल्चर तब्दील हो गया, माहौल तब्दील हो गया। जो आसान चीजें थी उसको माहौल मुआशरे ने मुश्किल बना दिया, जो मुश्किल चीजें थी उनको आसान। अल्लाह कहते हैं निकाह के मौके निकाह सादगी से ना करो। अगर अल्लाह ये कहते कि निकाह सादगी से ना करो, धूम धड़क का खूब होना चाहिए, 15-20 लाख रुपए खर्च होने चाहिए, पटाखे भी होने चाहिए और गोलियां भी होनी चाहिए और बारात भी होनी चाहिए ठीक ठाक, और जहेज 15 लाख का कम से कम जहेज होना चाहिए, तो ये आसान हुक्म होता है या मुश्किल होता? तो यार ये तो बड़ा मुसीबत में फंस गया, पैसे हैं नहीं। अल्लाह ने क्या कहा, आसान करो, बारात का कोई तसव्वुर नहीं है, लड़की वालों पर तो बोझ डालो ही नहीं, एक ढेला लड़की वालों से। ये देखा होगा आपने यहां पे अरब मुल्कों में, यहां लड़की वालों का एक रुपया भी खर्च नहीं होता। ये आयन इस्लाम है, लड़के का खर्च होता है क्योंकि लड़का कमाता है, उस पर खर्च करना उसके लिए आसान है। तो अल्लाह ने हमें हुक्म दे दिए आसान, माहौल ने माहौल चूंकि उल्टा चल रहा है तो वो हुक्म क्या बन गए, मुश्किल बन गया। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? तो अब माहौल की वजह से जो मुश्किलात हैं तो उसमें माहौल के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है कि जो माहौल कह रहा है वो करो। फिर तो चाइना में जाके हमें क्या खाने चाहिए भाई, जो मर्जी जैसा मर्जी माहौल हो वहां का, ये थोड़ी खा सकते हम। तो इसी तरह भाई जैसा मर्जी माहौल हो, हम दाढ़ी बोले ना भाई नहीं काट सकते, सारी दुनिया दाढ़ी काट ले भाई नहीं काट सकते, ये तो गलत है। जैसा मर्जी माहौल हो, सारी औरतें बेपर्दा हो जाएं, जो अल्लाह को मानने वाली औरत है वो अपना पर्दा खत्म नहीं कर सकती, सारी दुनिया बेनमाजी हो जाए, भाई अल्लाह की इबादत कैसे छोड़ दें? इतनी भी इबादत ना हो, हिंदू चला जाता है मंदिर में कभी कभार, ईसाई चले जाते हैं, हम मस्जिद जाना छोड़ दें, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तो जब इंसान की फितरत सही हो जाती है तो फिर उसको इस्लाम सही लगने लगता है। वो कहता है इस्लाम के खिलाफ नहीं चल सकता कुछ भी हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाक़ तअमल ईमान मर रज़िया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। वो शख्स इस्लाम की मिठास को चख लेगा, उसको इस्लाम का मजा आ जाएगा। मजा मुश्किल चीज का आता है या मजेदार चीज का आता है? तो इस्लाम बड़ा मजेदार है, तभी तो नबी फरमा रहे हैं। लेकिन हर एक को ये लज्जत महसूस नहीं होती, हर एक को नहीं महसूस होती। जो कहते हैं माहौल, लोग क्या कहेंगे, माहौल क्या कहेगा, मुल्ला बन गया और जनाब ये नमाजी बन गया, फजर भी पढ़ने जा रहा है, सब बेवकूफ आदमी है, ये लोग तो यही कहते हैं। चलो जुम्मा पढ़ लिया यार, हम भी पढ़ लेते हैं यार, तुम फजर में भी जा रहे हो यार, ये को बात है भाई, लोग उसको बेवकूफ समझते हैं, पूरे ही मौलवी बन गए। तो एक आलिम के पास एक किसी ने अपने खातून ने अपने बच्चे को दाखिल कराया कि ये बहुत शरारती है, थोड़ा सा ये सही इंसान बन जाए, तो वो ज्यादा ही सही बन गया। वो क्या बन गया, ज्यादा ही सही बन गया ना, वो पूरा मौलवी टाइप का बन गया, उसकी शलवार टखनों से ऊपर हो गई, दाढ़ी रख ली, अब हर चीज में ये घर में जाके ये हलाल है ये हराम है, ये ड्रामा बंद करो, ये फिल्म बंद करो, वो लगाओ डॉक्टर जाकिर नाइक लगाओ, ठीक है ना, या मौलाना तारी अमल साहब लगाओ, वो ऐसा बन गया। तो उसकी माँ आई वो मदरसे में, ये सच्चा वाक्य है, और वो मौलवी साहब से कहने लगी, मैंने इसको अच्छा इंसान बनाने के लिए भेजा था, आपने मौलवी बना दिया पूरा इसको। तो मुझे ऐसे मौके पे वो लतीफा याद आता है, मैं बहुत सुना चुका हूँ। वो जौनपुर का काजी, वो एक देहाती था, वो कहीं गया, पुराने जमाने का ऐसी बनाया हुआ किस्सा है। तो एक देहाती कहीं गया जौनपुर, नहीं किसी कहीं कारी साहब के पास गया, तो कारी साहब किसी बच्चे को डांट रहे थे कि कमबख्त तू गदा था मैंने तुझे इंसान बनाया, तू गदा था मैंने तुझे इंसान बनाया, यानी शरारती था। तो वो देहाती कहने लगा, यार गधे को भी ये लोग इंसान बनाते हैं। तो बड़ा जबरदस्त हिसाब किताब हो गया, गधे को क्या बना दिया इन्होंने। तो वो देहाती कारी साहब के पास आया, कहने लगा मेरे पास भी एक गधा है, अगर आप उसको भी इंसान बना दें तो कैसा रहेगा। तो कारी साहब को शरारत सूझी, उन्होंने कहा ये बेचारा सीधा आदमी है, थोड़ा सा इससे खेल तमाशा करते हैं। उन्होंने कहा ले आओ बना देंगे।
तो वो गधा अपना ले आया, उसने कहा मेरे पास छोड़ दो, तीन दिन के लिए इसमें मसाला वसाला लगा के रखना पड़ेगा इंसान वाला, ठीक है ना, तो जब मसाला लगाऊंगा तो दो तीन दिन में इंशाल्लाह ये क्या बन जाएगा, इंसान बन जाएगा। अब वो देहाती तीन दिन के बाद आया, जी मेरा गधा, आप कारी साहब कहाँ, वो तो गधा ही होता है। कारी साहब को शरारत सूझी, उन्होंने कहा असल में मसाला कुछ ज्यादा लग गया उस पर, इंसानों वाला मसाला, तो वो नॉर्मल इंसान नहीं है बना, आला दर्जे का इंसान बन गया, लिहाजा वो जौनपुर का जज बन गया वो। अब मैं क्या करूं, वो तो वहां जाके काजी की कुर्सी पे बैठ गया है और क्या बन गया है, जज बन गया। तो तुम जाओ, वो जौनपुर का जो जज है ना, जो मुकदमे कर रहा है, फैसले कर रहा है, वो असल में तुम्हारा गधा था जो वहां जाके बैठ गया। इसने कहा जान छुड़ाओ उस देहाती से। तो वो चला वहां जौनपुर, पहुंचा वहां, देखा काजी साहब बैठे हैं, ऑर्डर 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 और मुकदमों की समाप्त हो रही है। इसने काजी साहब को बुलाया पहले, तो वो काजी गुस्से हो गया क्या कर रहा है, फिर ये देखा नहीं आ रहे तो फिर घास लेकर आया, ऐसे ऐसे खुश खुश करके काजी साहब को घास दिखा रहा है ना, कह रहे काजी को गुस्सा आया तो डांटने लगा। तो ये देहाती कहता है ज्यादा शोर नहीं कर, वो तो तुझे मसाला ज्यादा लग गया है तो तू गधा ही ना, तो जैसे गधे को ज्यादा मसाला लग जाए ना तो वो कुछ ज्यादा ही आगे निकल जाता है। तो लोग कहते हैं हमारे बच्चों पे इतना मसाला लगाओ कि सादा से बस हमारे फर्मा बरदार बन जाए, ज्यादा नेक मुसलमान न बने, ज्यादा नेक मुसलमान न बने कि हम ही को समझाना शुरू कर दें। तो और अल्लाह क्या कहते हैं, उदखुलू फिस्सिल्मी काफतन, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो बस मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि भाई देखो, गुनाहों से बचना पड़ेगा, गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा, पूरे इस्लाम में दाखिल होंगे तो शुक्रगुजार बनेंगे। बाकी फखर नहीं है कि किसी कोई ज्यादा उसका गेटअप इस्लाम वाला है तो वो समझे कि मैं ज्यादा नेक हूं, वो तो अंदर के अमाल भी होते हैं, बाहर के अमाल भी होते हैं, सारी चीजें। और एक आखिरी बात, बहुत अहम बात, कि देखो गुनाहों में किरदार का दुरुस्त होना, यानी किरदार का खराब होना, यह बहुत बड़ा गुनाह है। जबान इंसान की साफ होनी चाहिए और माली लेन देन क्या होना चाहिए, ये बड़ी बहुत बड़ी मुसीबत है। जहां भी दुनिया में जाओ, हमारे माशाल्लाह इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमानों ने बहुत इज्जत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। इज्जत का मतलब समझते हैं ना, यानी उसकी वजह से हमारी पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन और पाकिस्तानियों की वजह से बहुत इज्जत है। क्या मतलब समझते हैं ना, कि वो लोग कहते हैं ना आज तो बहुत इज्जत हो गई इस महल्ले में, वही वाली इज्जत। तो ये कैसी बात है कि मुसलमान भी है और माली लेन देन में खराबी नहीं है, कोई पैसे ले लेगा तो टाइम पे अदा ही नहीं करेगा। सहाबा की तो ये सीरत नहीं थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ये सीरत नहीं थी। तो माली मामलात में इंसान खड़ा होना चाहिए। जबान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा ना कि मुसलमान से यह गुनाह हो सकता है, आपने फरमाया हो सकता है किसी पर शैतान गालिब आए, यह गुनाह हो सकता है, फरमाया हो सकता है कभी शैतान गालिब आए, फरमाया क्या मुसलमान झूठ बोल सकता है, आपने फरमाया नहीं झूठ नहीं बोल सकता, ये नहीं हो सकता कि वो मुसलमान भी और झूठ भी बोल दे। इसी तरह कुरान ने बाज यहूद नसारा की तारीफ की है, बाज उन्होंने फरमाया इनमें बाज ऐसे हैं, उस वक्त बाज थे अब बहुत सारे हो गए हैं, उन्होंने फरमाया कि इनमें बाज ऐसे हैं, इन आतई तुम इहदा हन्न किनतारन, फरमाया कि अगर नहीं, फरमाया वमिन अहलिल किताब मन इन तमनहु बिकिनतारिन, इनमें बाज ऐसे हैं कि अगर तुम सोने का एक पहाड़ इनको दे दोगे अमानत के तौर पर, एतमाद करके, यू अद्दी ही इलाइक, उसमें से जरा भी खयानत नहीं करेंगे, पूरा पूरा सोने का पहाड़ तुम्हें वापस पहुंचा देंगे। तो ये खयानत जो हो रही है ना, आज किसी पर एतमाद किया जा सकता है? फरमाया बाज ऐसे हैं कि उनको अगर एक दिनार या एक दिरहम दोगे ना, वो भी निकलवाना तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगा। तो भाई जब किसी का पैसा आपने लिया है और जो टाइम आपने बताया कारोबारी लेन देन में या किसी भी लिहाज से, तो उसको उस टाइम पर पहले से पहुंचाना जरूरी है। वो आपको कॉल ना करे कि यार टाइम हो गया है, आप उसको कॉल करके बताएं कि भाई ये टाइम था, आप मुझे बताओ मैंने पैसे कहां पहुंचाने हैं। वो पीछे पड़ा हुआ होता है, वही कॉल कर करके पूछ रहा होता है, भाई मेरे पैसे है यार, तुमने कहा था, अच्छा यार इतनी जल्दी क्या है, कल ले लेना, परसों ले लेना, क्यों ऐसा हो रहा है भाई, ये तो गलत है। ला यहिल्लु मालु इम मुस्लिमिन इल्ला बितीबी नफ्सि मिनहु, मुसलमान का माल उसकी कामिल रिजा के बगैर हलाल नहीं है। विरासत में यही हो रहा है, मैं देख रहा हूं 20-20 साल हो गए अब्बा के इंतकाल को, बहन का हिस्सा ही नहीं दे रहे, मकान बेचे कुछ भी करें उसका हिस्सा निकाले ना, वो कह रहे नहीं यार अभी क्या क्यों भाई, जो जिसके जितने पैसे बनते हैं देना उसको, डर यह है कि कहीं भूखे ना मर जाए हम, उसका वो नहीं है कि उसका पैसा जो मैंने जेब में रखा हुआ है तो उस पर क्या गुजर रही है।
बल्कि उस पर कुछ गुजरे ना गुजरे, विरासत का तो इससे ताल्लुक ही नहीं है कि कौन पैसे वाला और कौन गरीब। अल्लाह ने कहा जिसका जितना हिस्सा है आपको उसको देना पड़ेगा, चाहे उसको जरूरत हो या ना हो, लेकिन नहीं दे रहे। तो माली मामलात में आके बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है, ये भी कबीरा गुनाह है। और याद रखो मुल्की कवानीन को फॉलो करना ये भी शरीयत का हुक्म है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, उलिल अम्र में उलमा भी दाखिल है और हुक्मरान भी दाखिल है। पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान जाएगा अल्लाह माफ फरमाए, बहुत सों के बारे में खबर मिलती है कि कानून तोड़ते हैं। अभी मुझे पता चला वहां हरम में पाबंदी लगाई है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो सिर्फ उमरा करने वाले लोग तवाफ कर सकते हैं, आम लोगों को अलाओ नहीं है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, उम्र वालों का गेटअप एहराम बांध के जा रहे हैं तवाफ करने के लिए। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा, मैंने कहा बिल्कुल जायज नहीं है, जब गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है और पाबंदी हमारे फायदे के लिए लगाई है ताकि वहां रश कम हो और वो कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल हो जाए। तो आपने उमरा किया, तवाफ कर लिया, बाकी नहीं करो अल्लाह अजर दे देगा आपको, फिर भी कानून तोड़ तोड़ के। और बड़े फख्र से बता रहे हैं, यार मैं तो ऐसे टोपी कराई मैंने शुरते को, और जनाब मैं तो गंज टिंड भी करा ली या बाल रख लिए, क्या हुआ वल्लाहु आलम, और मैं गया और मैं तो तवाफ पे तवाफ करता हूं। भाई जब गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि नहीं कर सकते आप, तो इसका मतलब नहीं कर सकते। ये कानून कोई फजूल थोड़ी है, ये तो कौम ही के लोगों के फायदे के लिए। अगर ये कानून को आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर नतीजा क्या निकलेगा, वो काम थोड़ी हो सकता है इतने आराम से जो वो चाह रहे हैं करना। तो मुसलमान की ये फितरत बन चुकी है कि जो बात बताई जाए उसके उल्टा करना है। जो बताया जा रहा है ना, कोई भी हुकूमत जो कह रही है कि ये नहीं करो तो हम क्या करना है, करना है, और फिर बताना भी है मैंने तो कर लिया। तो ये कोई खुशी की बात नहीं होती। जो जिस मुल्क का कानून है तो वो कानून आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये अल्लाह का हुक्म है। हुक्मरानों की इताअत करना इसलिए नहीं हम करते कि हाकिम का हुक्म है, ये इसलिए करते हैं। जैसे मां बाप की क्यों मानते हैं, अल्लाह का हुक्म है ना, इसलिए मां बाप की मानते हैं हम। तो इसी तरह याद रखो हाकिम की इताअत करना भी किसका हुक्म है, तो कानून को फॉलो। मैंने अपने बुजुर्गों को देखा है बहुत ज्यादा कानून को फॉलो। हमारे हजरत क्या करते थे कि अगर लाल बत्ती जल रही है पाकिस्तान में, यहां तो लाल बत्ती पे सब रुके हुए होते हैं, पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, रेड सिग्नल हो गाड़ियां भी नहीं आ रही हो, हजरत देखते थे गाड़ियां भी नहीं, फिर भी रेड पे रुके रहते थे, नहीं रोड क्रॉस करें भाई, जो गवर्नमेंट का कानून है लाल बत्ती है तो रुकना है, तो चाहे इधर से गाड़ी आ रही हो नहीं आ रही हो हम क्या करेंगे, रुकेंगे। ये बातें यहां तो आपको समझ में नहीं आएंगी, पाकिस्तान जाएं और कोई लाल बत्ती पे रुक जाए उसको अजायब घर में जमा करा दें आप यानी बशर्ते कि रोड पे रश हो तो फिर तो लोग रुक जाते हैं, कोई टक्कर ना मार दे, रश भी नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला भी नहीं है, फिर रेड सिग्नल पे आप रुके हुए हैं तो लोग कहते हैं यार इसको क्या करो, अजायब घर में जमा करा दो। तो ये हो रहा है। तो ये जो है ना कानून की खिलाफ वर्जी करना हमारे यहां एक कमाल बन चुका है। तो ये मामलात भी अपने सीधे करने हैं लोगों से, हुक्मरानों से, अल्लाह से, ये भी मामलात भी सीधे करने हैं, और गुनाहों से भी अपने आप को बचाने की कोशिश करना है। ये सारे काम होंगे तो फिर अल्लाह की फहरिस्त में हमारा शुमार किस में होगा भाई, शुक्र गुजार लोगों में होगा। ये काम नहीं होंगे तो हमारा शुमार किस में होगा, ना शुक्रे लोगों में होगा। तो यही इम्तिहान है जिसके लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया। अल्लाह ताला हम सबको समझने की अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कोई सवाल पूछना हो आप लोगों ने बिला तकल्लुफ पूछ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। जवाब आएगा तो बता दूंगा, नहीं आएगा तो बोल दूंगा भाई नहीं आता। बिटकॉइन के हवाले से अगर सवाल ना पूछते तो बहुत अच्छा था। उसकी वजह यह कि बिटकॉइन के बारे में उलमा वहां बहुत ज्यादा परेशानी है। क्या हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब जो इन तिजारती उमूर में इतने माहिर हैं वो भी अभी तक कंफ्यूज हैं। तो वहां दारुल उलूम कुरंगी का भी अभी तक कोई फतवा नहीं आया, जामे तो रशीद का भी नहीं आया। तो हदीस में आता है दा मा यूरीबू का इला मा ला यूरीबुक, जो मशकूक चीज है उसको छोड़ दो। जब तक कोई वाज़े फतवा नहीं आता तो एहतियात रखना बेहतर है। लालच बहुत बुरी चीज है। आप देखें मुजारबा स्कैंडल जो बना है, सब उलमा उसमें बता रहे थे, बहुत से उलमा ने कहा कि ये गलत है, लेकिन बस यार दो पैसा दो और वो सब गायब हो गया। तो ये हवाई करेंसी है, फर्जी करेंसी है ये। कल मीटर घूम गया और हुकूमत ने ही कह दिया कि मैं इसको नहीं मानते तो कहां जाएंगे आप। तो बेहतर ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि हराम है, जाहिर है जब तक कोई फतवा नहीं आता, कोई तहकीक सामने नहीं आती, तो उस वक्त तक ना हलाल कह रहे हैं ना हराम कह रहे हैं। ज्यादा ज्यादा ये होगा कि हलाल, अगर हलाल का फतवा आ गया तो आप कहेंगे अरे यार उस वक्त ले लेते तो क्या होता। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मरना सबने है, क्या ख्याल है। तो वो ज्यादा की हवस नहीं करनी चाहिए। जो तमीज से पैसे आ जाए वो बहुत अच्छे होते हैं, जो लालच के साथ आए वो
उसमें बरकत नहीं होती। तो खाना पीना मिलेगा इंशाल्लाह। हमारी जो बुनियादी जरूरत है ना, वो अगर हम महदूद कर लें, मेरी जो बुनियादी जरूरत है सुबह दो पराठे, ठीक है, मैं कहता हूं यार मुझे सुबह पराठा मिल जाए और दोपहर खाना ना भी मिले, रात को मिल जाए पेट भर के, तो मैं समझता हूं कि मेरी बुनियादी जरूरत, डबल रोटी से मजा नहीं आता। और वो जो है ना, अगर बिस्कुट मिले तो चाय में डबोने का भी इंतजाम हो। वो मदीना मुनव्वरा में एक बड़े आलिम है, हजरत मौलाना अब्दुल हफीज मक्की रहिमहुल्लाह ताला के बेटे, तो वो मैं उनके यहां भी ठहरा हुआ था, अल्लाह ताला उनको जजाए खैर दे, उन्होंने बड़ा इकराम किया। तो उन्होंने क्या किया कि चाय मेरे सामने ला के रखी और बिस्कुट, तो मैंने खाना नहीं खाया था, मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने बिस्किट चाय में डबो के खाना शुरू कर दिए। तो उनको एक लतीफा याद आया, तो उन्होंने कहा कि एक आदमी ने जो है, बयान खत्म हो गया, अभी वैसे ही गपशप हो रही है, ठीक है ना, तो चलने दें इसको। तो एक आदमी ने क्या किया कि कहीं रिश्ता लेने गया किसी के यहां, अपने अब्बा को भी ले गया, तो लड़की वालों ने उसके सामने चाय और बिस्किट ला के रख दिए ये देखने के लिए कि ये कैसे खाता है कैसे पीता। तो वो पेंडुओं की तरह उसने चाय में डबो डबो के, जैसे मैं डबो के खा रहा था ना, तो डबो डबो के खाना शुरू कर दिया उसने। तो लड़की के अब्बा ने देखा कि यार ये तो एटीट्यूड ही नहीं है, कोई तमीज ही नहीं है, तो रिश्ते का इनकार कर दिया। तो वो लड़का बाहर निकलने लगा, अफसोस तो उसको बहुत हुआ कि यार रिश्ते का इनकार हो गया, लेकिन अपने होने वाले ससुर से कहता है कि बहरहाल अफसोस हुआ कि रिश्ते का इनकार हो गया, मगर डबो के खाने का अपना ही मजा है। डबो के खाने का नहीं मजा। तो देखो कितना बड़ा गम उसको लगा, रिश्ते का इनकार हो गया, मगर वो गम फिर भी इसने इस गम को भी एंजॉय किया, यार डबो के खाना नहीं छोड़ेंगे। तो पैसे ना भी मिले, सुबह नाश्ता हो जाए, रात को खाना मिल जाए, सोने की जगह मिल जाए, तो बस बहुत है। फिर बाकी सारी ग्रेवियां हैं, बाकी जो अल्लाह की तरफ से हमें मिल रहा है वो सब इजाफी है। मिले अच्छी बात है, अल्लाह हम सबको क्रिसमस में खूब बरकत दे, नहीं भी मिले तो भी टेंशन की चीज ही नहीं है भाई, क्या ख्याल है। तो कोई और सवाल हो? मतलब ये फजर की सुन्नत मुकद्दस सुन्नत के बारे में, हम लोग यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशन के, हम हमारे जो ममालिक के जो लोग हैं, मैं समझ गया आपका सवाल, फजर की सुन्नतें जब जमात खड़ी हो जाए तो पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। देखिए हदीस में आता है कि जब जमात खड़ी हो जाए ना, जो अरब लोग ये हदीस अक्सर सुनाते हैं, जब जमात खड़ी हो जाए तो कोई भी नमाज नहीं है सिवाय फर्ज के, तो ये हदीस बिल्कुल सही है। इसी बुनियाद पर हम कहते हैं कि जितनी भी फर्ज नमाजें हैं, जब वो खड़ी हो जाएंगी तो सुन्नतें नहीं होंगी। अलबत्त फजर को उलमाए हनफिया ने इससे मुस्तस्ना किया है, क्योंकि फजर की सुन्नतों की ताकीद बहुत ज्यादा है। कभी भी कोई हदीस होती है ना, तो जरूरी नहीं कि वो कुल्ली हो, बहुत सारी हदीसों से के मुस्तस्नायात बहुत होते हैं, बाज हदीसों में हुक्म अमूमी होता है लेकिन उससे बाज चीजें मुस्तस्ना होती हैं। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे तीन वक्तों में हदीस में आता है नमाज पढ़ना या सजदा करना हराम है, लेकिन इमाम शाफी ने इससे मुस्तस्ना किया है तहियतुल मस्जिद को, उनकी उनके मजहब में अरब भी उससे तहियतुल मस्जिद को मुस्तस्ना करते हैं। मुस्तस्ना क्यों करते हैं कि भाई वो कहते हैं तहियतुल मस्जिद क्या है कि हदीस में आता है कि मस्जिद में दाखिल हो तो पहले नमाज पढ़ो, तो जैसे उन्होंने इस हदीस को आम रखा और इसको खास कर दिया, तो ऐसे ही हमने क्या किया कि जो उलमाए हनफिया हैं उन्होंने इस हदीस को तो आम चार नमाजों के हक में तो आम रखा कि जब जमात खड़ी हो जाए तो सुन्नतें ना पढ़ो, लेकिन फजर में क्या कर दिया, इसकी तख्सीस कर दी। तख्सीस इसलिए की है कि फजर की सुन्नतों की ताकीद बहुत ज्यादा है, इस पर सबका इत्तेफाक है कि सबसे ज्यादा मुअक्कद सुन्नतें वो फजर की हैं। और ये सिर्फ कयास बराए कयास नहीं, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से दीगर बास सहाबा से सही सनद से साबित है कि जब वो फजर की जमात खड़ी भी हो जाती थी तो वो मस्जिद के बाहर सुन्नतें पढ़ लेते थे। लेकिन इसमें एक जहालत है, वो ये है कि जिस बरामदे में नमाज हो रही हो वहीं सुन्नतें पढ़ना ये जायज नहीं है। लोग क्या करते हैं, इधर जमात हो रही है इधर ही सुन्नतें, तो अगर आपके पास कहीं बाहर या बिल्कुल कोने में किसी सुतून के पीछे सुन्नतें पढ़ने की जगह नहीं है तो फिर आप सुन्नतें छोड़ दें, समझ रहे, क्योंकि जहां जमात हो रही है बिल्कुल वहीं उसी मकाम पे उसी बरामदे में खड़े होकर सुन्नतें पढ़ना इसकी इजाजत नहीं है। दूसरी बात यह कि सुन्नतें पढ़ने की इजाजत उस सूरत में है जब आपको जमात मिलने का यकीन हो। अगर आपको यह कि जमात मेरी सुन्नतों की वजह से फौत हो जाएगी तो जमात की ताकीद शरीयत में ज्यादा है, तो उलमा कहते हैं फजर की कम से कम एक रकत मिलने का यकीन हो। अगर आपको यह डर है कि मैं सुन्नतों में मशगूल हुआ तो एक से ज्यादा रकत निकल जाएगी तो फिर आप सुन्नतें नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आधी से ज्यादा जमात निकलना ऐसे गोया पूरी निकल गई। तीसरी सूरत तीसरी बात यह है
कि जहां फितना और इंतशार का खतरा हो वहां भी सुन्नतें छोड़ दें। अब यहां फिकह हम्बली को फॉलो किया जाता है। अब आप कहीं मस्जिद में खड़े होकर सुन्नतें पढ़ रहे हैं, वो उसको पूरी तकरीर थोड़ी सुनाएंगे आप बैठ कर, कि असल में यूं है, फिर असल में यूं है। वो कहेगा भाई क्या हल्ला हल्ला, वो क्या माफी मुश्किल, कुछ भी ऐसी बात कर देगा आपको, तो एक नई टेंशन में आएंगे। तो फितने से बचना क्या है, फितने का खौफ, सुन्नतें छोड़ दें, फिर इशराक के वक्त में पढ़े। समझ रहे हैं? अरब लोग फजर के फौरन बाद पढ़ लेते हैं। फजर के फौरन बाद भी सुन्नतें पढ़ना हमारे यहाँ जायज नहीं है। हाँ, क्योंकि फजर की नमाज के बाद नवाफिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं पढ़े। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु से सही सनद से साबित है, ये जो हदीस में आता है ना कि जब जिसकी सुन्नतें रह जाए तो फजर के बाद पढ़े, तो हम ये कहते हैं बाद से मुराद जब मकरूह वक्त गुजर जाए, क्योंकि अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु की सुन्नतें रह गई थी, तो उन्होंने बाकायदा इंतजार किया और वो बैठे काफी देर तक, जब सूरज तुलू हुआ है तो फिर उन्होंने सुन्नतें पढ़ी हैं। तो अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु का ये अमल बताता है कि बाद का जो हदीस में आता है ना, बाद में पढ़ो, उसका क्या मतलब है। लेकिन जहां पर फजर की नमाज जो अव्वल वक्त में होती है जी, पाकिस्तान में तो फजर की नमाज बिल्कुल आखिर वक्त में होती है, आपने बस फर्ज नमाज खत्म की, तो वहां बैठना जरूरी नहीं है। फजर की सुन्नतें छूट गई तो ऑफिस जाके पढ़ लें, घर जाके पढ़ लें, नहीं भी पढ़े तो भी जायज है, लेकिन बेहतर है कि उसको पढ़ लिया जाए बाद में। जोहर से पहले ही पढ़ सकते जी, जोहर से पहले भी अदा की जा सकती। क्या मतलब सुन्नत है? सुन्नत नहीं है, इतनी लेट नहीं, फिर तो मरने से पहले पढ़ लें आप। जवाल से पहले जहर का वक्त शुरू होने से पहले, जहर की नमाज से पहले नहीं, जवाल से पहले पढ़ सकते हैं। कितने टाइम, कितने वक्त होता है, कितने देर के लिए होता है? 5 से 10 मिनट। अजान से पहले 10 मिनट? जी, अजान से पहले की 10 मिनट। क्या टाइम होता है? यहाँ जो अजान है ना, बिल्कुल जवाल के वक्त से 1 मिनट बाद होती है, तो अजान से पहले 10 मिनट आप निकाल लें। ठीक है, असल भी जायज है अव्वल वक्त में पढ़ना, हनफिया के नजदीक भी जायज है। हम खुद भी पढ़ना है तो पढ़ा सकते हैं। हाँ, पढ़ा सकते हैं, अफजल है ताखीर से पढ़ी जाए, लेकिन पहले पढ़ना भी जायज है। ऑनलाइन के जरिए थोड़ा जी, ऑनलाइन के जरिए वगैरह दीन हासिल करना या ना सुनना, ठीक है ना? ऑनलाइन तो आजकल सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, ये ऐसे ही है जैसे अब लोग कहते हैं तबलीग तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीका इख्तियार, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गधे पर घोड़े पर बैठ के गए ना, जहाज पे थोड़ी गए। अब हम किस पे जाते हैं? जहाज। तो जो जदीद जमाने में जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, पहले जिहाद होता था तलवार से, अब किससे होता है? बंदूकों से होता है। ठीक है, तो वो जो जी, कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम मजहब है, जबकि कुरान में सूरह इमरान में लिखा है कि दीन तुम्हारे लिए इस्लाम, तुम्हारे लिए दीन। क्या इस्लाम को मजहब के नाम है? देखें, मजहब का एक इस्तिलाही माना है, एक लुगवी माना है। डिक्शनरी में मजहब कहते हैं मा ज़हबा इलैहि रजुल, आप जिस तरफ को जा रहे हैं, ज़हाब की जगह, तो आपकी राय जिस तरफ को जा रही है उसको भी मजहब इस माना में कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आप को इस्लाम समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी राय किधर जा रही है? इस्लाम की तरफ। तो इस माना में इस्लाम को हम क्या कहेंगे? मजहब। लेकिन जो इस्तिलाह है ना, टर्म है भाई, एक चीज किसी चीज का एक इस्तिलाही माना होता है ना। जैसे सलात अरबी में, जो लुगत में डिक्शनरी में तो क्या कहते हैं, दुआ को भी कहते हैं, लेकिन वैसे जो लफ्ज सलात है वो एक मखसूस इबादत के माने में इस्तेमाल हो रहा है। तो जो टर्म है ना, उसमें जो मजहब यानी इस्लाम जैसे है, तो वो दीन है, उसको मजहब नहीं कहा जाता, बल्कि मजहब इस्लाम में जो फिर आरा मुख्तलिफ बनती है, जैसे इमाम हनीफा कहते हैं ना ये मजहब है, इमाम शाफी का ये मजहब है, यानी उनकी ये राय है, तो उसके लिए ज्यादा बेहतर लफ्ज दीन ही है, यानी हमारा दीन इस्लाम है, या हमारा दीन जो है जिसको हम फॉलो करते हैं वो इस्लाम है। मेरे दोस्त के बेटे हैं, वो स्कूल जाते हैं तो आते आते में असर का टाइम हो जाता है। हाँ, स्कूल में वो जोहर की नमाज पढ़ नहीं पाते। नमाज किसी सूरत में माफ नहीं है, जैसे वो असर के टाइम आते हैं नहीं, असर से पहले जोहर पढ़ना लाजमी है, इसमें दो यानी हो ही नहीं सकता। नमाज किसी स्कूल छोड़ना पड़ेगा तो स्कूल छोड़ दें, वो नमाज माफ नहीं है। अगर आप फर्ज नमाज नहीं पढ़ सकते जॉब की वजह से, तो जॉब करना हराम है आपके लिए। इस्लाम का रुकन है ना ये, तो इसमें तो कोई है ही नहीं, छूट ही नहीं है ना। फर्ज नमाज तो पढ़नी पड़ेगी। ओह ओह, बड़ा खतरनाक सवाल है। सफर में दो नमाजें इकट्ठी पढ़ना, देखिए हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं पूरा उस मसले का खुलासा बयान कर रहा हूं, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर में दो नमाजें इकट्ठी पढ़ी हैं। ये बुखारी और मुस्लिम की बिल्कुल सही हदीस है, लेकिन इकट्ठी पढ़ने का मतलब क्या है, इसमें फुकहा की राय मुख्तलिफ हुई है।
हम दो नमाजें इकट्ठी करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन इकट्ठी करने का तरीका क्या होना चाहिए? इमाम अबू हनीफा के नजदीक इकट्ठी करने का तरीका यह है कि जोहर को मुआखर करें, जब बिल्कुल असर के करीब हो जाए तो जोहर पढ़ें, सलाम फेरें, दो चार मिनट इंतजार करके फौरन असर पढ़ लें। मगरिब को मुआखर करें, ईशा के बिल्कुल करीब पहुंचा दें, जब मगरिब ईशा का वक्त शुरू होने वाला हो तो उस वक्त फौरन क्या कर लें, ईशा पढ़ लें। इस तरह से जमा करने का हुक्म है। वजह उसकी है, ये जो बाज रिवायत में ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब जोहर को मुआखर किया असर तक, तो इस हदीस से बाज लोग रहे देखो असर तक ले गए आप, तो हम कहते हैं कि किसी के वक्त के करीब ले जाना उसको भी तक से ताबीर किया जाता है। जैसे मैं मस्जिद तक गया तो जरूरी नहीं कि मस्जिद के अंदर दाखिल भी हो गया हूं। तो ये बाज़े रिवायात नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा नमाज कजा कर दी हो, ऐसा कहीं किसी रिवायत में नहीं है। तो उसकी दलील यह है कि कुरान मजीद में आता है इन सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, नमाज मोमिनीन पर मुकर्ररा औकात में फर्ज है, हर नमाज का एक मुतय्यन वक्त है। अगर ये बाज लोग ये कहते हैं कि नहीं जी ये जो दो नमाजें इकट्ठी पड़ी हैं इसमें इमाम हनीफा ने तावील की है, ये से घुमाया बात को, तो ये इसलिए सही नहीं है। ये दो दलील हैं इसके गलत होने के, और ये बात के इमाम साहब की नजर में जो ये है कि तावील है, ये तावील सही तावील है। इसकी दलील ये है कि सही है मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी उजर के, बगैर बारिश के मदीना में दो नमाजों को इकट्ठा पढ़ाए, हालांकि इसका दुनिया में कोई भी कायल, इसके सिर्फ शिया लोग कायल हैं, अहले सुन्नत में कोई इसका कायल नहीं है कि ना सफर हो, ना बारिश हो, ना बीमारी हो और आप दो नमाजें इकट्ठी पढ़ लें। तो हम कहते हैं जैसे वहां इकट्ठी करने का मतलब क्या है कि नमाज को मौखर करके पढ़ाया आपने, पढ़ा अपने ही वक्त में, तो ऐसे ही सफर में जहां दो नमाजें इकट्ठी करने की बात आएगी तो वहां क्या मतलब होगा कि उसको मौखर किया है। अब ये लोग क्या करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा इसमें छूट दी हुई है उन्होंने, जहां भी जाएं वो जमा कर लेते हैं। फिर अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की सही हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नमाजें, नमाज को अपने वक्त से कभी भी नहीं टाला है आपने, कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया कि नमाज को अपने वक्त से मौखर कर दिया हो, सिवाय मुजदलिफा में, और जो है ना मुजदलिफा में पढ़ी जाती है ना मगरिब इशा, उसमें है बाकायदा वो कजा की जाएगी। हाँ वो जोहर असर जो मिलाई जाती है उस जी, तो उसके अलावा अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कहीं भी नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया। और अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु सफर और हजर के साथी थे, हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिल्कुल ऐसे आपने जिंदगी गुजारी है साथ साथ, यानी सहाबा कहते हैं हम आपको ऐसा समझते थे जैसे आपके घर के फर्द हों। तो इतनी बड़ी दलील है। तो इमाम अबू हनीफा का मजहब यह है कि कुरान मजीद की जो आयत जहां आएगी वो कतई होगी, तो अगर कोई हदीस उसके खिलाफ जाती है तो इमाम साहब उस हदीस में क्या करते हैं, तावील करते हैं, ताकि पक्की बात को कमजोर बात की बुनियाद पे छोड़ा ना जाए, क्योंकि हदीस में तावील का इम्कान है। तो पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि ठीक है बाज़ आइमा इसके भी कायल हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम शाफी, इमाम मालिक इसके कायल हैं कि नमाज को कजा भी किया जा सकता है, यानी कजा का मतलब बिल्कुल ऐसे जमा किया जा सकता है, लेकिन सबकी नजर में इसकी कुछ शराइत हैं। जैसे इमाम शाफी कहते हैं पहले से नीयत हो जमा करने की, सही है ना, पहले से नीयत हो। फिर बाज के नजदीक जमा तकदीम जायज है, यानी जोहर के वक्त में असर पड़ सकते हैं लेकिन असर के वक्त में जोहर नहीं पड़ सकते, बाज के यहां ऐसे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि बिल्कुल किसी किस्म की शराइत का लिहाज किए बगैर जो चाहता है जैसे चाहता है जमा बैन सलातैन कर रहा है। फिर अल्लामा इब्ने कय्यिम रहिमहुल्लाह ने लिखा है कि सफर में नमाज में कसर करना यानी चार की दो करना, यह तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतवारिसा है, हमेशा आपने चार की दो पढ़ी है, लेकिन जमा बैन सलातैन शदीद उजर के बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। तो जो आइम्मा कहते हैं कि दो नमाजें इकट्ठी की जा सकती है सफर में, वो भी ये कहते हैं कि ये अमल कोई पसंदीदा नहीं है जब तक कोई सख्त उजर ना हो या ना किया जाए, जबकि हमने यहां क्या देखा है कि कोई उजर नहीं होता फिर भी कर रहे होते हैं, बल्कि कहीं जाके स्टे कर लेंगे, होटल में क्याम कर लेंगे, कोई थकावट नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी दो नमाजें। तो ये तो असलाफ के बिल्कुल खिलाफ है उनकी तालीमात। तो अगर बहुत शदीद मजबूरी हो तो इसमें फिकह हम्बली या फिकह शाफी को फॉलो किया जा सकता है, गुंजाइश है इसकी, लेकिन बगैर शदीद मजबूरी के ऐसा बोले भाई ना किया जाए, ठीक है ना, बगैर शदीद मजबूरी के ऐसा ना, हर नमाज को अपने वक्त पे पढ़ा कर सकते हैं। जी हाँ, 70 किलोमीटर पे कसर शुरू होता है, हाँ फिर कसर होगा, रोज भी जाएंगे। तो अगर आप अपने वक्त पे पढ़ें, लेकिन अगर ड्राइवर बस रोक ही नहीं रहा है, वो कह रहा नहीं बस दो नमाजें हम इकट्ठी पढ़ेंगे, तो मोहब्बत से समझाएं उसको, नहीं मार रहे तो लड़ाई झगड़ा ना करें,
تو چونکہ باقی ائمہ کا یہ مذہب ہے وہ بھی بہرحال مجتہدین تھے تو ایسی مجبوری میں ان کو فالو کیا جا سکتا ہے. زہر کے وقت میں اثر تو پھر بھی نہیں جائز یا مغرب کے وقت جمع تقدیم میں یہ ہوتا ہے کہ زہر کا جب وقت پڑا ان کے نزدیک شوافے کے نزدیک. ہمارے ہاں تو نماز کو اپنے وقت سے نہ پہلے پڑھ سکتے ہیں نہ اپنے وقت سے مؤخر کر سکتے ہیں. ہاں ان کے زہر کے وقت میں آپ اثر پڑھ لیں جی اور مغرب کے وقت پڑھتے ہوئے جی ہاں جی ہاں جی جی. اگر آپ بائی ایئر ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کا ڈسٹینس جو ہے 7 to 8 hours کے درمیان ہے تو آپ دو نمازیں نکل جاتی ہیں؟ نہیں, نماز جہاز میں نکلنا وہ جائز نہیں ہے. جہاز میں آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی معذرت کے ساتھ. نماز معاف نہیں ہے نا, کیا کروں. نہیں, اور اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد بھی اگر آپ اس کو بس پڑھ لی تو پڑھ لی. جہاز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں حتی الامکان, اور جگاڑ ہو جاتا ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا بھی. تھوڑا سا دائیں بائیں جب وہ ایئر ہوسٹس وغیرہ جا کے بیٹھی ہوں نا اپنے میک اپ کے لیے, اس وقت آپ کھڑے ہو جائیں چادر بچھا کے. اور قبلے کے ڈائریکشن کا اندازہ ایسے ہوتا ہے جہاز میں کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں جہاں سفر کر رہے ہیں نا, تو اسی وقت یہ ایمریٹس ایئر لائن میں تو آگے نقشے آ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں سے آپ دیکھ لیں جہاز جا کدھر کو رہا ہے اور مکہ کس طرف ہے. تو اس سے بہت میں تو اسی طرح اندازہ لگاتا ہوں تو پتا چل جاتا ہے بھائی یہ جہاز کی جو جہاں دم ہے نا اس سے تھوڑا سا ادھر کو, ایسے اندازہ ہو جاتا ہے. پی آئی اے میں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. پی آئی اے میں آپ کو تھوڑا سا پہلے سے گھر میں نقشہ پڑھ کے جائیں کہ میں کراچی سے جدھر جا رہا ہوں اس سے مکہ کس طرف ہے, تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن پی آئی اے میں پانی نہیں ملتا. ابھی میں آ رہا تھا وہاں بینکاک سے, میں پی آئی اے کے ذریعے آ رہا تھا کراچی, تو حیرت کی بات ہے ایک صاحب میرے سامنے بڑی تعریف کر رہے تھے ماشاءاللہ پی آئی اے بہت اچھی ہو گئی ہے. میں نے کہا ہاں بھائی بہت اچھی ہو گئی. تو میں جو خیال ہے وہ تھوڑا وضو کر لوں, نماز کا ٹائم نکل رہا ہے. تو میں جب گیا تو وہ بوتل میں پانی بھر بھر کے لوگوں کو دے رہے تھے واش روم جانے کے لیے. واش روم میں پانی نہیں تھا. یعنی ٹرینوں میں تو ہم نے سنا تھا کہ, لیکن جہاز میں پہلی دفعہ دیکھا کہ واش روم میں پانی نہیں ہے. تو وہ جو واش روم میں جا رہے ہیں نا وہ گلاس اور بوتل کیے لے جائیں. تو کیا مطلب, جہاز میں کھڑے ہو کر پڑھنے کی پوری کوشش کریں, قبلہ رخ ہونے کی پوری کوشش کے باوجود اگر نہیں ہو رہا تو پھر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں. اور پھر ایسے موقع پر شافی مذہب پہ بھی یا حنبلی مذہب پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے, جمع بین الصلاتین ایسی مجبوری میں جائز ہے. لیکن اگر جو راستہ ہوتا ہے اس میں لوگ واش روم سے قدم لے کے چلتے رہتے ہیں, یہ بھی خطرہ ہوتا ہے؟ نہیں نہیں, یہ پاک ہی ہوتا ہے. جب تک کسی چیز کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہونا اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا. تیمم نہیں کر سکتے, پانی ہے نا واش روم میں, وہ تو پی آئی اے میں ایک دفعہ کا ذکر ہے. ہوتی ہے, جگہ بن جاتی ہے. جو ان کا کچن ہے یا کہیں بھی جائیں کچھ نہ کچھ تھوڑی سی جگہ چاہیے, پورا خوشو خوشو سے تھوڑی پڑھنا ہے. کوشش کریں گے. بینک کے حوالے سے سوال کرنا تھا کہ جو لوگ بینک سے گاڑی لیتے ہیں جی یا پھر قرض لیتے ہیں, جس کو دبئی اسلامی بینک جو ہے وہ شرعی طریقہ بتاتا ہوں. مجھے دبئی اسلامی بینک کا تو نہیں پتا, لیکن جو اسلامی بینکنگ ہے اس میں گاڑی کا طریقہ کار صحیح ہے, وہ لے سکتے. کافی ہے میرا خیال ہے. ٹھیک ہے, اجازت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے ماشاءاللہ. نماز میں چھوٹتے ہیں جی جی سر. دراصل ایک لیڈی تھی جی, عورت اپنے شوہر سے طلاق دے رہی اور وہ کورٹ میں گئی. ہاں, اور اس کو کورٹ میں اس کو طلاق آلریڈی مل گیا, یعنی سرٹیفکیٹ کورٹ کی طرف سے اس کو مل گیا, اور اس کا ہسبینڈ دوسرے ملک میں, وہ ادھر پیش نہیں ہوا. بعد میں اس کا, دیکھیں اس میں کورٹ سے جو طلاق ہے نا, اس میں ہر کیس کو الگ سے پڑھنا پڑتا ہے کس بات کو بنیاد بنایا ہے. اس میں ایسا کوئی عمومی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا کہ کورٹ کی طلاق ہر صورت میں غلط ہے یا ہر صورت میں صحیح ہے. بعض صورتوں میں کورٹ, پاکستانی کورٹ کی بات کر رہا ہوں, تو بعض صورتوں میں صحیح بھی ہوتی ہے, بعض صورت اکثر صورتوں میں غلط ہوتی ہے. وہ فرض کرا اس کا ہسبینڈ پھر گیا ملک میں, اس کا سلح ہو گیا, تو اس کے لیے کیا دوبارہ نکاح؟ اگر وہ پہلی والی طلاق صحیح ہوئی ہے شریعت کے مطابق ہے تو پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. اگر وہ صحیح نہیں ہوئی ہے تو پھر پہلا نکاح باقی ہے. احتیاطاً دوبارہ نکاح کر لیں, نہیں بھی ہوگا تو ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ ہاں نہیں, جائز نہیں. جو حکومتی قانون ہو جہاں پہ مجبوری ہو وہاں تو جائز ہے, ورنہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آفیسز میں آس پاس مسجد نہیں, آفس میں ٹیمپرری مسجد ہوتی ہے جہاں پہ امام نہیں ہوتے. مجھے پتا ہے یہاں پہ 20 منٹ کے بعد جماعت ہوتی ہے. میں زہر کے وقت پہنچا, ابھی دیکھا 5 منٹ باقی, میں سنت کے لیے کھڑا ہوئی.
यहाँ के अरबी क्या करते हो, आपके साथ सीधा अल्लाह अकबर तकबीर देके नमाज शुरू कर देते हैं। तो आप पढ़ते हैं अपनी, उसकी भी हो जाएगी आपकी भी हो जाएगी। सुन्नत छोड़ के फर्ज पे शामिल हो जाए या सुन्नत कंप्लीट करने के बाद फिर फर्ज में? फर वो जल्दी से मुख्तसर उसको सलाम फेर दें दो रकत करके, फिर फर्ज में शामिल है। ठीक है ठीक है, अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभानकल्लाहु बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।